करण ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आपने सीपीयू को अंडरस्टैंड करना हो तो सीपीयू को हम इस तरह से करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी जो वर्किंग है इसके लिहाज से हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कहलाता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा कहलाता है एग्जीक्यूशन यूनिट। इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जो भी कमांड्स आती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है एग्जीक्यूशन यूनिट ने, ओके। जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो सब के सब एग्जीक्यूशन यूनिट के पास ही होते हैं, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन है वो कंट्रोल होती है सीपीयू के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। कंट्रोल यूनिट के थ्रू एक्चुअली होता ये है कि कोई भी प्रोग्राम हो जो भी आप बेटा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो वो स्टोर कहाँ होता है, मेमोरी में होता है, ओके, मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी से सीपीयू क्या करेगा, वन बाय वन कमांड्स को फैच करेगा। तो ये जो कमांड्स को फैच करने का जो प्रोसेस है ये सारा का सारा कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। जब कंट्रोल यूनिट के पास कोई भी कमांड जाती है तो सबसे पहला काम ये करता है कि उसको डिकोड करता है, ओके। जब वो डिकोड करता है तो डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूशन होता है। डिकोड करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो उसके पास कमांड्स जाती हैं वो बाइनरी में ही होती हैं। देखें, जब आप कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं, वो जिस भी लैंग्वेज में लिखें, सी में लिखें, जावा में लिखें, ठीक है, या मैं मैटलैब में प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैटलैब में करें या असेंबली में करें, ओके। अगर असेंबली में प्रोग्रामिंग हो तो पहले आप उसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे थ्रू असेंबलर, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी आपके पास जो कि मशीन फाइल कहलाती है आपके पास, ठीक है, मशीन लेवल की फाइल होती है। इसी तरह अगर आपके पास हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए आपके पास कंपाइलर होगा। कंपाइलर क्या करेगा, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन उसे रीड कर अंडरस्टैंड कर सके। ये सारी जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं बाइनरी में लिखी जाती हैं, ओके, आपके पास बिन फाइल बनती है। तो जब ये फाइल सीपीयू के पास मेमोरी, और यही फाइल स्टोर होती है मेमोरी में, तो जब कोई भी सीपीयू कमांड किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वन बाय वन जो कमांड्स जाती हैं वो ऑलरेडी बाइनरी में ही होती हैं, ठीक है, बाइनरी में। जब बाइनरी में सीपीयू के पास जाती हैं तो जो बाइनरी पैटर्न्स होते हैं, आपने सुना होगा कमांड्स के ऑपकोड्स होते हैं, हर कमांड के लिए ऑपकोड्स होते हैं, ऑपकोड्स मींस बाइनरी पैटर्न, ओके। अब बाइनरी पैटर्न अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो यूं समझें कि आपने चार प्रोसेस, अगर मैं बिल्कुल सिंपली उसे करना चाहूं, आप जो है एक मिनट, ये कौन है, आपके पास एक छोटा सा सीपीयू है, बिल्कुल ही छोटा सा, जो सिर्फ चार प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, एड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आपके पास इसका मतलब ये है कि टोटल कोड्स ही चार हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कमांड आएगी आपके पास टोटल कमांड ही चार होंगी, ठीक है। अब हर जो कमांड है उसका ऑप कोड बनेगा 2 बिट का। जैसे सपोज कर लेते हैं कि एडिशन का कोड हम 00 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का 01 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का 10 कर लेते हैं और डिवाइड का 11 कर लेते हैं। साथ में इनके डाटा अटैच होगा, जो भी आपने प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो जब सीपीयू के पास ये कमांड जाएगी तो जो कंट्रोल यूनिट है वो सबसे पहले उसे डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब ये है कि उसके पास ये जो चार पैटर्न बताए हैं ना, 00, 01, 10, 11, ये उसके पास लिस्ट में लिखे होंगे पहले से, ठीक है, और हर पैटर्न की मीनिंग उसके पास होगी, वो जानता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। 00 मीन्स ऐड करना है, 01 मीन्स ये जो हमने सपोज किया, 01 मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, 10 मीन्स मल्टीप्लाई करना है, 11 मीन्स डिवाइड करना है। तो जैसे ही आपकी कमांड सीपीयू के पास आएगी, सीपीयू देखेगा कौन सा पैटर्न है, उन चारों पैटर्न से कंपेयर करेगा, ठीक है, जिस पैटर्न से मैच होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। तो यूं ही जिस तरह मैंने बताया कि जब भी सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कमांड्स को जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फैच करता है। जब वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास पहुंचती हैं तो उनके ऑपकोड पैटर्न्स जो होते हैं ना, बाइनरी पैटर्न्स हैं, उन्हें ये अंडरस्टैंड करता है, उनसे ये पता चलाने ये करता है कि एक्चुअली करना क्या है। जब इसको ये पता चल जाता है तो उसके बाद कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, ठीक है, और उन कंट्रोल सिग्नल्स के मुताबिक जो है इनके टाइनी ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, यानी कि आपकी जो एक कमांड है वो बजाते खुद छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। तो उन माइक्रो ऑपरेशन, वो माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं और यूं आपकी जो एक कमांड है, सिंगल कमांड है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरी एग्जीक्यूशन को वही कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन यूनिट में जस्ट एग्जीक्यूशन होता है। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल्स जो है एग्जीक्यूशन यूनिट को सेंड करता है और उसके मुताबिक उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में कंट्रोल यूनिट्स आते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। कमांड्स के जो सब पार्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और यूं जब एक कमांड कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है, देन सीपीयू जो है, जो प्री मेच्योर बिल्कुल बेसिक आपके पास सीपीयूज थे, सपोज करें कि 8086 या 8088, ठीक है, इससे पहले 8085 था, ये जो कंप्यूटर, ये जो प्रोसेसर थे, इनके पास ये एट अ टाइम जो है 8085, वो तो वन बाय वन हर इंस्ट्रक्शन को बारी बारी फैच करता था। पहले वो फैच करता था, देन डिकोड करता था, देन एग्जीक्यूट करता था। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता था, देन वो मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता था, जिसकी वजह से जाहिर है काफी टाइम वेस्ट होता था, स्पीड बहुत लो थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8086 में फर्स्ट टाइम जो है एक क्यूड, यानी कि जो 8085 में था उसमें एक ही यूनिट था, उसी यूनिट ने फैच करना होता था, उसी यूनिट ने एग्जीक्यूट करना होता था। फर्स्ट टाइम 8086 में ये जो दोनों टास्क थे डिवाइड कर दिए गए। ये बिल्कुल ऐसे था, ऐसे है जैसे पहले बादशाह होता था ना, तो सब कुछ फैसले भी उसी ने करने हैं, इंतजामी फैसले भी उसी ने करने हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े के फैसले भी उसी ने करने हैं। तो जब ये सारी चीजें एक ही शख्स के पास आ जाती थी ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी, उसकी जॉब बहुत टफ हो जाती थी। उससे रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया, पावर्स जो है ट्रांसफर किए गए। तो जो डिसीजन, जो लड़ाई झगड़े निपटाने हैं उनके लिए जो पावर्स थे, वो सारे के सारे जो काजी, जिसे हम जज कहते हैं, उसको ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, तो इस वजह से, इस तरह से जो है ना, बादशाह के पास ये लोड कम हो गया। अब बादशाह जो है बाकी मामला निपटाता था, ये जो लोगों के लड़ाई झगड़े, इनके फैसले काजी के पास चले जाते थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ किया गया 8086 में। एक दो टास्क होते हैं, इनके जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट होता है जिसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फैच करना, डिकोड करना, सीपीयू तक लेकर जाना। दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूट करना। 8085 जो था ना, जो माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें ये दोनों काम एक ही यूनिट करता था। 8086 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया कि इनको अलग अलग कर दिया गया। जो फैचिंग एंड डिकोडिंग, ये कंट्रोल यूनिट के हवाले कर दिया गया, और जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन यूनिट के हवाले कर दिया गया। इसके बाद जितने भी प्रोसेसर्स आए, जितने भी वर्जन आए, सब में यही चल रहे हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो ये मोस्ट इंटेंस पार्ट है। इंटेंस पार्ट इसलिए है कि जैसे जैसे आपके पास कंप्यूटर नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो वैसे वैसे इनके पास ऑपकोड्स की तादाद भी बढ़ रही है। जब आपके पास ऑपकोड्स की तादाद बढ़ेगी, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, जाहिर है उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी, आपकी स्पेस बढ़ जाएगी, आपका कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है ये मोस्ट इंटेंस पार्ट है। ठीक है, और जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, इसका काम होता है जस्ट एग्जीक्यूट करना। ये बिल्कुल रोबोट है, इसे जो कहा जाता है ये कर देता है, लेकिन क्या करवाना है, कौन सा स्टेप किस वक्त एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट के पास होता है। ओके, तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करें, कंट्रोल यूनिट एंड देन एग्जीक्यूशन यूनिट, इन टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, जब आप कंट्रोल यूनिट में फर्दर जब आप मेमोरी वगैरह पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि आपके पास मेन मेमोरी है, देन कैशे मेमोरी है। तो किस तरह से डाटा जो है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी से कैशे में आता है, ये जो सारा कंट्रोल है ये कंट्रोल यूनिट करता है, के पास होता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट जो है ये प्रोसेसर का मोस्ट इंटेंस पार्ट है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, तो कंट्रोल सीपीयू ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और मेमोरी में क्या होता है, क्या होना है कि डाटा या प्रोग्राम जो भी है उसे स्टोर मेमोरी में ही होना है। और जो आईओ पोर्ट्स हैं, इनका काम ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर वो रन टाइम पर किसी डिवाइस से डाटा रिट्रीव कर रहा है, ठीक है, डाटा सेंड कर रहा है, यानी कि ये इनपुट ले रहा है या आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, इनपुट को रिसीव करने के लिए आईओ पोर्ट्स चाहिए। आईओ पोर्ट्स का बस एक ही काम होता है, जस्ट कम्युनिकेट, नथिंग मोर देन दिस। जो आईओ पोर्ट्स हैं ये आईओ डिवाइसेस से, आईओ डिवाइस में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनसे ही कम्युनिकेट करवाती हैं। ठीक है,
तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस जो नॉर्मली आप कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें आपके पास जो माउस है, ये आईओ डिवाइस है, कीबोर्ड है, ये आईओ डिवाइस है, ठीक है। इस वक्त मैं क्लास लेने के लिए जो मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है, एक्चुअली ये दोनों है। ये जो माउथ पीस है ये इनपुट डिवाइस है, जो एयर एयरफोन्स हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो मेरे सामने मॉनिटर दिख रहा है ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो ये आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें तीन चीजें होती हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। सीपीयू का काम होता है कमांड को एग्जीक्यूट फैच करना, देन डिकोड करना, देन एग्जीक्यूट करना। ओके, अच्छा, जो इस सीपीयू के टू पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट जो कंट्रोल पार्ट है, कंट्रोल यूनिट पार्ट है, ये क्या करता है, ये फैच करता है एंड डिकोड करता है। जब ये डिकोड हो जाता है, जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ये इसे एग्जीक्यूट करता है। जो मेमोरी है, इसका काम है जस्ट स्टोर करना, ये 1-0 की फॉर्म में स्टोर करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी आपकी कोई ऑडियो सॉन्ग हो या वर्ड की फाइल हो, ओके, या ये आपका कोई पिक्चर डेटा हो, ये कोई पिक्चर हो, ये जस्ट 1-0 फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में उसे स्टोर करता है। इसका एक ही काम है, स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स। जो आईओ डिवाइसेज हैं, जो आईओ पोर्ट्स हैं, इनका काम है जस्ट टू मेक कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेट करवाते हैं किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में और सीपीयू के बीच में। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़ें, जो डिवाइसेस हैं, जो बेसिक कंप्यूटर जैसे 8086 था या 8085 था, वो उसमें डायरेक्ट जो है कोई भी आईओ डिवाइस जो है वो मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली ये इलॉजिकल भी है कि अगर कोई आईओ डिवाइस डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह से होती है कि आईओ जो पोर्ट्स हैं इनकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होती है डायरेक्ट सीपीयू से, और सीपीयू से कम्युनिकेशन होती है मेमोरी। यानी कि जो भी चीज़ अगर मेमोरी से कोई चीज कोई डाटा आईओ के पास जाएगा, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी जाता है, ठीक है, वो डीएमए के थ्रू होता है, उसको फिलहाल इग्नोर कर दें। अगर कुछ भी कोई यानी कि अगर सपोज करें कि सीपीयू ने कोई डाटा जो है मेमोरी में कोई डाटा है जो सेंड करना है किसी आईओ डिवाइस को, पहले ये डाटा सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू से डाटा आईओ डिवाइस पर आएगा। इसी तरह कुछ चीज़ है, सपोज करें कि आपने पेन ड्राइव कनेक्ट की है, अपनी यूएसबी कनेक्ट की है सिस्टम से, और वो डाटा आप हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले डाटा कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से होते हुए मेमोरी में जाएगा। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बेसिक है, जो इसका जो लॉजिकल वे बनता है वो यही बनता है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता, इसलिए कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर भी आ गया है, डीएमए कहते हैं उसको, ठीक है। उसके जरिए डायरेक्ट जो है डाटा जो है आईओ से मेमोरी में चला जाता है, मेमोरी से आईओ में और आईओ से मेमोरी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर डीएमए ना हो तो फिर जो है डायरेक्ट आईओ से मेमोरी में कम्युनिकेशन नहीं हो सकते, ये इनडायरेक्ट होगी, मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू आईओ, आईओ टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, ये जो मैंने बातें बताई हैं ये यहाँ पर लिखी हुई है, ये रिटिन वर्क है थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने जो है ये आप लोगों के लिए लेक्चर सब्सक्राइब करवाए थे, क्योंकि मैंने इससे पहले जैसे बताया था ना कि मेरा तो बैकग्राउंड फिजिक्स का था, मेरा पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर विजन में, तो ये जो कोर कोर्सेज जो है जाहिर आगे मुझे पढ़ाने पड़ेंगे, तो स्टार्ट तो लेना है, तो इसके लिए मैंने कोर्स सब्सक्राइब करवाए थे ताकि आप लोगों को मैं बेहतर वे में पढ़ा सकूं। तो ये रिटन मटेरियल बहुत शॉर्ट शॉर्ट उसके पास है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है COA का कोर्स है जो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है ये मैं दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पे जो है ये राइट्स हैं, यानी कि ये समझे कि ये जो अकाउंट है मेरा, अगर ये एट अ टाइम एक से ज्यादा जगह ओपन हुआ और साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा लोगों ने देखना शुरू किया, तो फिर इसमें वो आ जाएगा ना, क्या कहते हैं कि सिंगल यूजर एट अ टाइम यूज कर सकता है, मल्टीपल यूजर यूज नहीं कर सकते, तो अकाउंट जो है मेरा बंद हो जाएगा। तो ये आपको जो है मैं वीडियो लेक्चर भी इसके सेंड कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है। जो शख्स पढ़ा रहा है, जिसके लेक्चर हैं, वो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने का, तो जाहिर है कि बहुत ही बेहतर लेक्चर है उसके। तो एज कम्पेयर टू बुक्स, बुक्स में जाहिर है सारी इंफॉर्मेशन तो बुक्स में होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वर्बोस होती है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स आमतौर पर बोर हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसने बेहतर काम ये किया कि चीज़ों को बिल्कुल कहते हैं ना कि एक्सट्रैक्ट, जो जो कोर इन्फॉर्मेशन थी वो एक्सट्रैक्ट करके बिल्कुल शॉर्ट में लिखती, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा गेन कर सकें। तो ये आप लोगों के साथ में शेयर
मैंने ये शेयर कर लिया इस पे वीडियो पे, ठीक है। तो ये जो भी बातें मैंने बताई हैं वो तकरीबन सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा बसेस पे ये रह गया, देखें देखते मुझे याद आया। ओके, ये जो बसेस हैं बेटा कम्युनिकेशन के लिए, एक तो पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स हमेशा यूज होती हैं कब, जब आप जब सीपीयू किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, जो जब भी इंटरनल कंपोनेंट से इसे कम्युनिकेट करना होता है, तो जैसे मेमोरी हो गई या इवन पोर्ट तक, ये सारी चीजें होती हैं किसके जरिए, बसेस के थ्रू कंट्रोल होती हैं, ठीक है। ये सारी कम्युनिकेशन बसेस के थ्रू होती है। तो सीपीयू के पास, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के पास तीन तरह की बसेस होती हैं, एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। अगेन वो जो चीजें मैं बता रहा था वो इस तरह से बसेस के थ्रू रिपीट कर देता हूँ। जब भी सीपीयू को कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, जिस कमांड, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस सेंड करता है। सपोज करें कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेंड करता है, किस पर, एड्रेस बस पर। जब वो एड्रेस पहुंचता है तो पर्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और कंट्रोल बसेस के थ्रू, कंट्रोल बस में सिर्फ दो ही सिग्नल होते हैं कि आपने रीड करना है या राइट करना है। तो कंट्रोल बस के थ्रू रीड का सिग्नल सेंड करता है ये, जैसे ही ये रीड का सिग्नल सेंड करता है फॉरन डाटा बस पे लोड हो जाता है और वो सीपीयू के पास आ जाता है। ओके, देन सीपीयू कंट्रोल का जो कंट्रोल यूनिट है वो उसे क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म करता है। तो जो एड्रेस बस है ये इसका यूनिवे है, यानी कि जो फ्लो है यूनिडायरेक्शन है, एड्रेस ऑलवेज फ्लो करेंगे फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स मेमोरी टुवर्ड्स आईओ। एड्रेस कभी भी जो है मेमोरी से सीपीयू या आईओ से सीपीयू फ्लो नहीं करेगा, जो एड्रेस है, एड्रेस बस है, उसका फ्लो क्या होगा, फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स मेमोरी फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स आईओ पोर्ट्स। जो डाटा बस है वो बायोडायरेक्शनल है, डाटा मूव कर सकता है फ्रॉम मेमोरी टुवर्ड्स सीपीयू, from CPU towards memory, from IO port towards CPU, from CPU towards IO, okay? जो control bus है, इसमें दो ही control जाते हैं, जो basic अगर आप categorize करें, एक read का signal होता है, दूसरा write का signal होता है, okay? जब read का signal जाता है, आप उसे further classify कर सकते हैं कि आपने memory को read करना है या port को read करना है। इसी तरह write का signal है, आपने memory पे write करना है या port पे write करना है। तो यूं तो आपके पास चार सिग्नल बन जाते हैं, यानी कि मेमोरी रीड, आईओ डिवाइस, आईओ पोर्ट रीड, मेमोरी राइट, आईओ पोर्ट राइट, ठीक है। तो अगर इनको कैटेगराइज करें ब्रॉडली तो टू बनते हैं, रीड और राइट, ये दो ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। रीड मेमोरी से भी कर सकते हैं, आईओ पोर्ट से भी कर सकते हैं, राइट मेमोरी पे भी कर सकते हैं और जो डिवाइस है उस पर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया यहां तक पूरा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं दूसरे पर। अच्छा टाइम कितने, 8, ओके। नंबर सिस्टम्स। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी जी सर। और समझ में भी आ रहा है? जी सर। सर ये बसेस वाले, सर ये बसेस वाले समझ में नहीं आया असल में, क्योंकि ये बहुत तेजी से चलें। ये अच्छा देखें, एक मेरी कोशिश होती है कि समझाना, अगर समझ में ना आए ना तो आप मुझे बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। ओके चलें, ठीक है सर। ये दोबारा सुन लें कि ये जो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें तीन चीजें होंगी, सीपीयू मेमोरी एंड आईओ। ये जो तीनों है कनेक्टेड होंगी थ्रू बसेस। ओके, थ्रू बसेस कनेक्टेड होंगी। ये जो बसेस होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, वो तीन टाइप की होती है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, अब देखिएगा, सीपीयू का काम होता है एग्जीक्यूट करना, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम्स मींस सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीरीज ऑफ कमांड्स। ओके, तो जब ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो वन बाय वन उसके कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। वो जो प्रोग्राम्स है, जाहिर है वो स्टोर्ड कहाँ होगा, मेमोरी में होगा ना स्टोर्ड। जब प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर्ड होगा, इट मीन्स उसके इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में स्टोर्ड होंगे। तो सीपीयू के पास पहले से, जब भी आप अपने कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं ना, तो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस की जो एड्रेसेस हैं वो पहुंच जाते हैं, उसको पता होता है कि सीक्वेंस वाइज कौन से इंस्ट्रक्शन कहां कहां है, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह आप क्लास में बेंचेस पे बैठते हैं ना, टीचर को पता होता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यूं ही सीपीयू को भी तमाम इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस पता होते हैं। तो जब ये किसी भी कमांड कोड को किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो प्रोग्राम में सारी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ज़्यादा सीक्वेंस में लिखी होती है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती है। तो ये पहली जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, एड्रेस वो एड्रेस बस पे अपलोड करता है सीपीयू। जब वो एड्रेस बस, जब ये एड्रेस बस पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस राइट करता है या अपलोड करता है, तो उसके मुताबिक जो मतलूबा मेमोरी लोकेशन होती है, चाहे वो रैम में हो या फिर पोर्ट में हो, तो वो मेमोरी लोकेशन जो एक्टिवेट हो जाती है, क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो फिर जाहिर है दो ही काम कर सकते हैं सीपीयू, या तो इसने डाटा राइट करना है या डाटा रीड करना है। एक्चुअली क्या करते हैं, जाहिर है इसने तो, इसे तो इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ये रीड का सिग्नल भेजता है। जब ये रीड का सिग्नल भेजता है तो फौरन वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डाटा बस पे लोड हो जाती है, और जब वो डाटा बस पे लोड होती है तो मेन्स वो सीपीयू के पास पहुंच जाती है। जब वो सीपीयू के पास पहुंचती है तो कंट्रोल यूनिट उसे क्या करता है, सबसे पहले उसे डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उससे एग्जीक्यूट करता है। और जब ये डिकोड करता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपोज करें कि मैं आपके सामने, ये जो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लिखना रियल टाइम में, जो है ना, सपोज करें कि मैं वर्ड ओपन करके, मैंने एक कमांड लिखी है छोटी सी एम ओ वी मूव ए कॉमा ए एल लिख दिया मैंने, ए एल कॉमा 65H, ये कमांड है, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल ये कमांड, इस कमांड का मतलब है ए इज इक्वल टू इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 65, हायर लेवल लैंग्वेज में ये लिखा जाएगा, ओके। और इसका मतलब क्या है कि जो ए एल रजिस्टर है उसमें 65 की वैल्यू मूव कर जाए। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये देखिए गौर से, तो ये जो मूव है इसका ओपकोड जहां भी लिखा होगा, ये इस तरह से मेमोरी में लिखी जाएगी। सपोज कर लें कि जो मूव है इसका ओपकोड है, सपोज कर ले, मैं बता देता हूँ जी, बोले इंटरप्लेस, सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या जो वो है, जो स्मॉल है वो कैपिटल ए से वो हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे वो तो नहीं है कि नहीं, जहाँ पे छोटी एबीसीडी है वहाँ पे नहीं, छोटी नहीं, है। जो अच्छा सुने, जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होती है ना वो केस सेंसिटिव होती है, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है जैसे असेंबली है वो केस सेंसिटिव नहीं है, वो केसेस, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा बेटा, ये जब आप इसे असेंबल करेंगे ना इस इंस्ट्रक्शन को, ये कोड यूं लिखा जाएगा, ओके। अच्छा, इसको आप अगर फर्दर डिवाइड करेंगे यूं लाइन में, तो सीपीयू के पास जो है इस ऑपकोड का एड्रेस होगा, ओके, इसका एड्रेस होगा, और जब ये जाएगा तो साथ में ये दोनों बाइट सीपीयू के पास जाएंगी, और जब ये सीपीयू के पास जाएंगी तो सीपीयू 88 के पैटर्न से अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये तो मूव करवानी है एएल रजिस्टर में। एएल सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होगा, रजिस्टर्स होते हैं, ये डाटा सीधा सीधा उस रजिस्टर में मूव कर जाएगा, ओके। तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, क्या, वन मिनट, ओके, ये देखिएगा कि जब भी इसे कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है तो क्या करता है, ये उस इंस्ट्रक्शन के, यानी कि सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है ये सेंड करता है। जब वो एड्रेस पहुंचता है तो जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसका जो डाटा है वो डाटा बस पे लोड हो जाता है, सीपीयू के पास आता है, सीपीयू उसे डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। अगर इसे कोई डाटा राइट करना होता है, तो जिस मेमोरी लोकेशन पे डाटा राइट करना होता है पहले उस लोकेशन का एड्रेस जाता है, एड्रेस जाने के बाद डेटा जाता है, और डेटा के बाद कंट्रोल जाता है। देखिएगा भैया, बस थोड़ा सा फर्क है, जब इसे रीड करना होता है तो ऑर्डर क्या बनता है, फर्स्ट एड्रेस देन कंट्रोल देन डेटा, और जब इसे राइट करना होता है तो फर्स्ट एड्रेस देन डेटा देन कंट्रोल,
ये फर्क है। अगर सीक्वेंस देखे जाए तो जब भी इसे रीड करना होता है तो पहले क्या करता है ये एड्रेस बस पे एड्रेस भेजता है। जब एड्रेस भेजने से पर्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशन है वो एक्टिवेट हो जाती है, देन कंट्रोल का सिग्नल जाता है, रीड का सिग्नल जाता है। ओके, जैसे रीड का सिग्नल जाता है वो डाटा जो है डाटा बस पे लोड हो जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन का कोड है वो डाटा बस पे लोड हो जाता है और देन वो सीपीयू के पास आ जाता है। अगर हम राइट का लगाएं तो राइट में क्या होता है कि सीपीयू को जो भी डाटा जो है मेमोरी में राइट करना होता है तो पहले उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जाता है, देन ये देन जो डाटा है वो डाटा बस पे लोड हो जाता है और उसके बाद कंट्रोल का सिग्नल जाता है और वो डाटा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे राइट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर तीनों बसेस इन्वॉल्व हो गई। एड्रेस बस यूनिफ्लो, ऑलवेज एड्रेसेस फ्लो करेंगे फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स मेमोरी और आईओ। डाटा मूव कर सकता है मेमोरी टू आईओ, मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी, आईओ टू सीपीयू, सीपीयू टू आईओ। तो डाटा बस बाई डायरेक्शनल हो गई। जो कंट्रोल बस है वो भी यूनिडायरेक्शनल, जाहिर है कंट्रोल जो है वो सीपीयू से जाएगा या तो मेमोरी के पास या आईओ के पास। इसी तरह एड्रेस भी जो है ये मूव करेगा ऑन एड्रेस बस फ्रॉम सीपीयू टुवर्ड्स मेमोरी और सीपीयू टुवर्ड्स आईओ। ओके, मजीद सामान ला के रख लिया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अक्सर कभी कभी मुझे जो है मार्केट से पाए लेने होते हैं तो पाए वाले क्या करते हैं, बाकी जो सारे पाए होते हैं अपनी आम दिनों में वो उन्होंने फ्रीजर में रखे होते हैं क्योंकि बाहर ख़राब हो जाते हैं, और जो जहाँ वो बैठता है मैन अपना जो उसका काउंटर होता है कसाई, वहाँ उसने कुछ पाए जो है रखे होते हैं। ओके, तो जैसे कस्टमर आके वो पाए ले लेता है वो वहाँ से बाकी पाए ला के रख देता है। तो इसका मतलब ये फ्रिज से उसको निकालने में कसाई को टाइम लगता है, तो वो पहले से कुछ पाए जो है जो इस पे ला के रख लेता है, अपने काउंटर पे ला के रख लेता है, वो काउंटर उसका एज ए कैशियर रोल प्ले करता है। ओके, हेलो सर, ये रैम होती है मतलब क्या? ये भी रैम होती है? नहीं, ये भी मेमोरी होती है। देखें, मेमोरी की टाइप्स हैं, एक रजिस्टर मेमोरी कहलाती है जो सबसे फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, हाईली एक्सपेंसिव हाईली फास्ट। उसके बाद जो मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है, ये फास्ट होती है लेकिन उतना फास्ट नहीं होती जितनी रजिस्टर मेमोरी होती है। जैसे यहाँ दिखाया गया ना जो ट्राइंगल हायरार्की दिखाई गई है, जैसे आप डाउनवर्ड आते हैं तो विड्थ बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, बट स्पीड कम होती जा रही है। जैसे आप अपवर्ड मूव करते हैं तो कैपेसिटी कम होती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। जो एक्सपेंसिवनेस है, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेमोरी एक्सपेंसिव होती जाएगी, जैसे नीचे आएंगे मेमोरी क्या होती जाएगी, चीप होती जाएगी। जो सबसे चीप मेमोरी है तो ये आपके पास जो सर से जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है इसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा फिर कंट्रोल वाइज, अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, ये एक तरफ स्पीड लिखा हुआ है दूसरी तरफ एक्सेस लिखा हुआ है। ये जो यानी कि कौन सी मेमोरी कहाँ लाए करती है, ये जो आपके पास कैशे मेमोरी है ये सीपीयू के अंदर ही होती है, लेकिन इतना सुन लें कि कैशे भी दो टाइप का होता है, एक ऑन चिप कैशे होता है, एक ऑफ चिप कैशे होता है। ये दूसरी स्लाइड में ये भी दिख जाएगा आपको, जो मैंने यहाँ बताया ना, ये देखिएगा यहाँ पर, कई मैंने आप लोगों के लिए जो है ना ये मेमोरी बताने के लिए ये देखिएगा यहाँ पर, अगर ये डायग्राम देखें सीपीयू प्रोसेसर के अंदर जो है आपके पास प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर मेमोरी होती है, यानी कि जो मेन एग्जीक्यूशन होता है ना, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होती है वो रजिस्टर्स के अंदर होती है, बट ये मेमोरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगर मैं आपको 8086 का बताऊं तो 8086 में सिर्फ चार जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ए बी और सी, ये चार रजिस्टर, ए बी सी डी, चार रजिस्टर्स होते हैं टोटल जो जनरल पर्पस होते हैं, बाकी स्पेशल पर्पस होते हैं। तो जो रजिस्टर मेमोरी जो है वो बहुत कम होती है लेकिन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अब रजिस्टर मेमोरी को बढ़ाना तो ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि सीपीयू का पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाता है उसके साथ, तो उसके मुकाबले में क्या किया जाता है, साथ में कैशे मेमोरी रखी जाती है। अच्छा, अगर आप डाटा फ्लो को देखना चाहें तो ये आपको ये और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, जो मेन मेमोरी से जाते हैं हमेशा हार्ड डिस्क से ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक मूव करते हैं, बल्कि ये देखिएगा यहाँ पर सपोज करें कि हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो रैम में डाटा जाता है तो रैम में सिंगल बाइट्स नहीं जाती बल्कि पूरा पूरा मेमोरी का चंक, यानी कि आप सपोज करें कि कोई फाइल रीड करना चाह रहे हैं वो पूरी फाइल रैम में लोड हो जाती है, अगर आप कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना चाह रहे हैं वो पूरा प्रोग्राम जाकर रैम में लोड हो जाता है। ओके,
तो हार्ड डिस्क जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम स्टोर करते हैं या डाटा या इमेज स्टोर करते हैं या मूवी स्टोर करते हैं, वो सारी की सारी हार्ड डिस्क में सेव होती है। ओके, जब आप उसे रन करते हैं, रन टाइम पर वो डाटा रैम में आ जाता है। किस में आ जाता है? रैम में आ जाता है। देन रैम से वो पार्ट्स में, पीसेस में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होके, ब्रेक होके वो किस में जाता है? L2 कैशे में जाता है। L2 कैशे से फर्दर पीसेस में डिवाइड होता है, वो L1 कैशे पे जाता है। देन L1 कैशे से वो वर्ड्स में बाइट ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? वर्ड्स में ब्रेक होता है, और वो रजिस्टर के पास जाता है, और रजिस्टर जो है उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये एक हायरार्की बनाई हुई है डेटा को इजीली एक्सेस करने के लिए। अच्छा, जो डेटा का एक्सेस है, जब डेटा हम रीड या राइट करते हैं, तो सीपीयू टू रजिस्टर्स जो है ये बहुत फास्ट है। जैसे कि यहाँ ये दिखाया गया है, जब भी सीपीयू को डेटा रीड करना होता है कहाँ पर? L1 कैशे में, ये तो बहुत फास्ट है। ठीक है, इसके बाद ये जो इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन है, ये एज कम्पेयर टू दिस वन स्लो है, बट एज कम्पेयर टू दिस वन फास्ट है। तो जैसे जैसे आप मेन मेमोरी की तरफ आते जाते हैं, जो डेटा कम्युनिकेशन है बिटवीन पार्ट्स, वो स्लो होती जाती है। ठीक है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पर जो मेन मेमोरी से L3 कैशे में बड़े ब्लॉक्स जाते हैं, जब ये L2 कैशे में जाते हैं तो ब्लॉक्स फर्दर स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। L1 कैशे में जाता है, फर्दर और स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये CPU के अंदर जाता है तो ये वर्ड्स में ब्रेक हो जाते हैं। आ गया समझ में? हेलो, तो इससे कम्युनिकेशन जो है वो इजी एंड फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेमोरी की टाइप्स हैं आपके पास, ये हायरार्की बनी हुई है। सबसे टॉप पर रजिस्टर मेमोरी है, देन कैशे मेमोरी है, देन रैम, देन मेन मेमोरी है जिसे रैम कहते हैं हम लोग, देन हार्ड डिस्क, देन सॉरी हार्ड डिस्क नहीं, बल्कि जो आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ये है। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क इनको आप एक ही लेवल पर रखते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अगर लेवल देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि लेवल 0 रजिस्टर का होता है, और जो ऑन चिप कैशे होती है उसका लेवल 1 रखा है, जो ऑफ चिप कैशे है उसका लेवल 2 रखा है, जो मेन मेमोरी है उसका लेवल 3 रखा है, और फिर जो आप डिस्क और पेन ड्राइव वगैरह होती है इनका लेवल 4 रखा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है डाटा स्टोर कर रहे होते हैं क्लाउड पर, या रिमोट सर्वर से डाटा आप रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसका लेवल 5 रखा है। जितनी जल्दी आपका सिस्टम आपकी हार्ड डिस्क से डाटा एक्सेस करता है, उतनी जल्दी वो सर्वर से नहीं कर पाता, उसमें टाइम लगता है। हेलो सर, सर्वर फास्ट नहीं होते? फास्ट तो होते हैं, लेकिन इतना फास्ट थोड़ी होता है। आप अगर डाटा रीड करना चाहें तो जितनी जल्दी, इतना सुन लें कि जो आप प्रोग्राम, हाँ जाहिर है कि इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत फास्ट हो गई है, बिल्कुल ये बात आपकी जो जिसने भी क्वेश्चन किया है, क्योंकि रियल टाइम में डाटा एक्सेस किया जा रहा होता है। लेकिन एज ए नॉर्मल यूजर जो है, नॉर्मल यूजर, आप सपोज करें कि एक फाइल आपकी जो है, आपने सर्वर से कोई डाटा आपके पास, सपोज करें कि डाटा यूट्यूब पर कोई फाइल है आपने डाउनलोड करनी है या उसको ब्राउज करना है, होता है ना कभी नेट स्लो चल रहा होता है, स्लो सर, वो तो इंटरनेट इशू है ना, तो वो इंटरनेट इशू है, वो अगर हम सही करवा लें तो वो तो फिर फास्ट हो गया उससे, वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। लेकिन कितना फास्ट होगा ये बताइएगा, सीपीयू को अपने हार्ड डिस्क तक आने में ज्यादा टाइम लगेगा या एक्सेस करने में, या रिमोट जो सर्वर पे डाटा होता है वो भी तो बेटा सर्वर के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ना कि नहीं होता? सर हम रैम यूज कर रहे हैं 8 GB, मैक्सिमम 20 GB, वो रैम चूज कर रहे हैं 1000 GB में। यूं तो फर्क होता है ना, जाहिर है कि आमतौर पे जो स्पीड वाइज फर्क बताया गया कि देखें, एक फाइल है जो USA के सर्वर में सेव है, जब वो सर्वर में सेव है मींस वो उसके हार्ड डिस्क में है। ओके, एक फाइल है आपके जो लोकल हार्ड डिस्क है आपकी, उसमें सेव है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इन दोनों फाइल्स को एक्सेस करना है, कौन सी आप जल्दी एक्सेस करेंगे? अपने पीसी वाले। तो बस यही तो बात है, अगर इसमें देखें जो हायरार्की में बनाया है, तो जो आपकी हार्ड डिस्क है उसे लेवल 4 पे रखा है, और ये जो बाकी जो सर्वर्स है ना, इनके डाटा को लेवल 5 पे रखा है, क्योंकि उसमें नेट की स्पीड भी इन्वॉल्व हो सकती है और बहुत सारे। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू, तो आपकी हार्ड डिस्क को भी जल्दी एक्सेस करेगा, और एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क रैम के डाटा को और जल्दी एक्सेस करेगा, एज कम्पेयर टू रैम L2 कैशे यानी कि जो कैशे मेमोरी है उसको और जल्दी एक्सेस करेगा, एंड एज कम्पेयर टू कैशे रजिस्टर्स मेमोरी तो होती उसके अंदर है। ठीक है,
तो वापस सर मतलब कि जितना पास होगा उतनी ज्यादा जल्दी एक्सेस करेगा। जी जी जी, जितना पास होगा उतना जल्दी ज्यादा उतना जल्दी एक्सेस करेगा। सीपी जो रजिस्टर्स है ना, तो ये तो होते ही सीपीयू के अंदर है। रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो होती ही सीपीयू के अंदर है, और एक्स जो प्रोग्रामिंग में असल में यूज होती है, जो अगर आप लो लेवल पे चले जाएं बिल्कुल, वो रजिस्टर मेमोरी यूज हो रही होती है। जब आप असेंबली में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए आपको जाहिर है 8086 पर जाना पड़ेगा। 8086 में कोई कैशे वैशे मेमोरी नहीं होती, तो आप वहां देखेंगे रोम से मेन मेमोरी से डायरेक्ट रजिस्टर्स में जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी फास्टेस्ट, इस वक्त भी जो करंटली हमारे पास प्रोसेसर है उनके पास भी रजिस्टर्स ही हैं। फास्टेस्ट मेमोरी प्रोसेसर होता है जी जी, प्रोसेसर के अंदर होती है। सर ये सब प्रोसेसर के अंदर होता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अगर यहां गौर से देखिएगा, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के प्रोसेसर के अंदर जो है, जो मेमोरी है ना बेटा, उसको भी फर्दर टू क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। एक फास्टेस्ट मेमोरी, एक फास्ट मेमोरी, आ गया समझ में? एक फास्टेस्ट मेमोरी, एक फास्ट मेमोरी। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, जो वर्ड लेवल की एग्जीक्यूशन होती है, वो रजिस्टर मेमोरी में होती है। इसलिए मैंने बताया ना कि जब भी आप कोई फाइल, सपोज करें कि आपने कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, या कोई फाइल वर्ड की फाइल रीड करना चाह रहे हैं, वो आपने स्टोर की हुई है, वो अपने हार्ड डिस्क के किसी भी पार्टीशन में, डी सी जो भी है एक्सेट्रा, उसमें आपने सेव की हुई है, जब आप उस फाइल को रीड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी फाइल लोड होगी रैम में। जब आप उसे एडिट करेंगे, जब आप उसे एडिट करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रैम से एडिट, उसका जो पार्ट्स है ना वो ब्रेक होके कहाँ जाएंगे, कैशे में, कैशे से देन रजिस्टर्स में जाएंगे। ये तो रजिस्टर लेवल पे एग्जीक्यूशन होती है, असल एग्जीक्यूशन इस लेवल पे होती है, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक डाटा को आने के लिए, अब देखिए यहाँ चाहिए होता है वर्ड लेवल पे, वर्ड समझते हैं आप, हेलो, वर्ड होता है वन टू बाइट से मिलकर वर्ड बनता है। इस वक्त आपके जो सिस्टम है 64 बिट सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि 64 बिट सिस्टम जो एट ए टाइम चार वर्ड्स को एक्सिक्यूट कर सकता है। जी ये किसी ने, मोहम्मद इरफान जी, बेटा सर एक सवाल है, बोले सर, जो हमारे पास जो और गेट एंड गेट एक और ये XOR गेट एक, सर ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? ये कहाँ होते हैं? ये बिल्कुल ये रजिस्टर लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर, ओके, ये सब सीपीयू के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे सब, अब यू देखें कि आपके पास जो है ना, जो सीपीयू है वो डेटा एक्सेस करता है बाइट लेवल पे, वर्ड्स लेवल पे, ठीक है ना। आपका अगर 64 बिट सिस्टम है आप यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे सबके 64 बिट होते हैं, तो उसमें कितनी बाइट बनती है? 8 बाइट बनती है, मीन्स 4 वर्ड्स एट ए टाइम वो प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो कैशे मेमोरी होती है उसमें वर्ड्स नहीं होते। ये अगर इसको समझाना हो, चले मेरे बहुत अच्छी एग्जाम्पल मेरे सामने माइंड में आ गई। सपोज करें कि आपका कोई अजीज है और वो अब्रॉड रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है वो? अब्रॉड रहता है, और यहाँ से फैमिली उससे गिफ्ट की डिमांड करती है कि हमारे लिए गिफ्ट लेकर आइएगा। मल्टीपल लोग गिफ्ट डिमांड करते हैं, कुछ बच्चे चॉकलेट्स डिमांड करते हैं, ठीक है, और कुछ मुख्तलिफ चीजें। तो वो क्या करता है, जब वहां से आता है तो अपना सारा सामान अपने बड़े जो बैग होते हैं उसमें पैक करके लाता है, और जिन लोगों ने गिफ्ट डिमांड किए थे, मजे की बात, वो सब एक जगह नहीं रहते। तो क्या होगा, पहले बैग खुलेगा, बैग में से सबके गिफ्ट्स क्या हो जाएंगे, फैमिलीज के गिफ्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना, हेलो। इसके बाद जब वो फैमिलीज के गिफ्ट अलग अलग हो जाएंगे, फिर जब फैमिलीज में पहुंचेंगे तो वहां फर्दर वो पर्सन वाइज डिवाइड हो जाएंगे। तो हम भी इसी तरह करते हैं ना, एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि डाटा जो है जो मेन सोर्स से वहां पूरा बल्क में बड़े बड़े ब्लॉक चलते हैं, फिर वो आगे जो है ना क्या होते जाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। जिस तरह आपके पास, अगर सपोज करें कि हम मार्केटिंग में देखते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरा पूरा जो बड़े बड़े ब्लॉक किसको दे देता है, वो जो मेन सप्लायर है होलसेलर, वो उनको डाटा दे देते हैं, अपना जो माल बेच देते हैं, होलसेलर से शॉपकीपर लेते हैं, शॉपकीपर से हम लेते हैं, को भी उसी पैटर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है, किया गया है हायरार्की। अब आगे समझ में कि नहीं आई? जी सर आ गई।
ठीक है, चलें शुक्र है समझ में आ गई। चलें आगे चलते हैं वापस। अरे ठीक है बेटा, ये हो गया। कुछ और पूछना है इसके बारे में? इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये है ओके साइन नंबर्स। जब भी आपने डेटा कोई एक्सिक्यूट करते हैं, आपका कोड हो या डेटा हो जो भी हो, वो जाहिर है कि नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। okay? आपके पास जो सिंबल्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे मिलाकर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके तो यहाँ पर बाइनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। आपके पास सपोज करें 3 बिट का डेटा है, हेलो 3 बिट का डेटा है 2 पावर 3, तो टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर सारे के सारे अनसाइंड नंबर हो तो रेंज बनती है 0 to 7, मींस नंबर सारे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। और अगर आप साइंड नंबर्स यूज करते हैं, आज रियल लाइफ में साइंड नंबर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, साइंड नंबर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, वो तो हमें लाजमी यूज करना पड़ते हैं। तो रेंज तो अभी वही 8 कॉम्बिनेशन की रहती है, लेकिन वो स्पेस जो है हमारी वो स्लाइड हो जाती है। पहले 0 से स्टार्ट हो रही थी, 7 पर खत्म हो रही थी, अब वो 0 सेंटर में आ गया, वो -4 to 3 ये स्पेस बन गई है। अगर आप 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं का डाटा लेते हैं, तो आपकी रेंज स्पेस बढ़ जाती है। देखिए अनसाइंड में 0 to 15 है, साइंड में -8 to 7 है। ये आपके लिए, एक मिनट, मैंने शायद थोड़ा सा कुछ किया भी है ये समझाने के लिए। 5 बिट पे देखिएगा, अनसाइंड पे 0 to 31 है, 32 कॉम्बिनेशन हो गए, जबकि यही जो कॉम्बिनेशन है जब साइंड पे लेंगे तो -16 to 15 में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 8 बिट पे 0 to 255 है, -128 to 27 है, और 16 बिट में तो बहुत ज़्यादा है, 64 किलोबाइट, जब इसे साइंड में कन्वर्ट करेंगे तो -32 किलोबाइट अप टू +32 किलोबाइट। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो हम बड़े आराम से क्या करते हैं, नंबर के सामने माइनस लिख देते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? अगर आपको लिखना हो, पेपर पे लिखना हो, आप लिख देते हैं 5, अगर सिर्फ 5 लिखा है, इट मींस पॉजिटिव 5। और अगर आपने -5 लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ माइनस का साइन यूज करेंगे। ऐसा ही होता है। हेलो जी, जी सर। लेकिन कंप्यूटर के पास माइनस साइन नाम की कोई चीज नहीं होती। आ गया समझ में? कंप्यूटर के पास जिस तरह आप फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, .5.346 या -6.4, ना तो कंप्यूटर के पास डॉट नाम की कोई चीज होती है, ना ही उसके पास माइनस नाम की कोई चीज, कोई सिंबल। वो तो बस नंबर्स को समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जरा आप इस पर आ जाइए। आइए, मैंने कर दिया, हाँ ठीक है ओके। बल्कि उसने भी वहां थोड़ा सा शो किया मेरे ख्याल में, मटेरियल ज्यादा बेटर कहाँ पर है, हाँ यहाँ देखिएगा बेटा। हेलो, ये आपके पास नंबर्स है जी जी। अगर बेटा आप अनसाइंड डाटा यूज करते हैं तो जो तीनों के तीन, सपोज करें जितनी बिट होती हैं सब की सब मैग्नीट्यूड में काउंट हो जाती हैं। किस में काउंट हो जाती हैं? मैग्नीट्यूड में काउंट हो जाती हैं। जैसे 3 बिट का डाटा है 0 to 7, 4 बिट का डाटा है 0 to 15, 2 बिट का डाटा है 0 to 3। लेकिन अगर आप साइंड नंबर्स यूज करते हैं तो अब आपकी जो MSB होती है वो मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं होती, वो साइन में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? साइन में काउंट होती है। ठीक है, इसी चीज को अब गौर से देखिएगा,
ये आपके पास कॉम्बिनेशन लिखे हुए, ये पहले टू बिट कॉम्बिनेशन देखिएगा, थ्री, ये थ्री लिखे हुए ना, आप ये थर्ड जो बिट है इसको इग्नोर कर दें, 00011011 00011011. अगर आप ये थर्ड बिट को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए कि ये है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, 0123 0123. माउस के साथ हाईलाइट हो रहा है बेटा आपके पास? ओ, मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. हेलो, यस सर, कोई एक पता चल रहा है. देखिएगा, अगर आप ये थर्ड बिट को इग्नोर कर दें तो टू बिट कॉम्बिनेशन में क्या बन रहा है, 0123 अगेन 0123. ओके, अच्छा, इसमें ये जो थर्ड बिट है, ये जो शुरू के फोर कॉम्बिनेशन हैं इनमें जीरो है, लास्ट के फोर कॉम्बिनेशन इनमें वन है. अगर आप इसे, अगर आप इन नंबर्स को अनसाइंड नंबर्स लेंगे, एज एन अनसाइंड नंबर्स लेंगे, तो तीनों के तीनों बाइट किसमें, बिट्स किसमें यूज हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड में यूज हो जाएंगी. तब क्या बनेगा आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7. बट अगर ये साइन नंबर्स हो गए, अब आप क्या पढ़ेंगे, ये जिसमें एमएसबी जीरो है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जिसमें एमएसबी वन है ये नेगेटिव नंबर्स हैं. अब आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर तो वो ही रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, 0 1 2 3. बट ये जो है आप क्या देख रहे हैं, अब की बार इसने क्या लिखा, यहां लिखा हुआ है, अच्छा ये आगे जाके उसको करेक्ट करता है लास्ट कॉलम में, इसने कहा कि इसके आगे वन लगा दिया, इसका मतलब है ये जीरो, टू बिट वैल्यू क्या थी, जीरो थी ना, तो देखिएगा इसको इसने पॉजिटिव जीरो लिख दिया, इसको इसने नेगेटिव जीरो लिख दिया, सिर्फ समझाने के लिए, होता नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिखा है. ओके, ये वन था ये माइनस वन लिख दिया, ये टू था ये माइनस टू लिख दिया, ये थ्री था ये माइनस थ्री लिख दिया, ये बताना चाह रहे हैं या कुछ समझाना चाह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें. यहां देखिएगा ऊपर जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हाईलाइट करके, नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर फिलहाल इसने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, बस ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने नंबर्स को नेगेटिव में लिखना है. अगर ये टू बिट डाटा था तो क्या था, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3. पॉजिटिव आपने शो करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपने 0 0 साथ में आगे लगा दी, वैल्यू वो ही रही. लेकिन जब आपने 1 1 लगाया और आपने ये सपोज किया कि ये साइन थी, तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था, 0 को माइनस 0 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, 1 को माइनस 1 में, 2 को माइनस 2 में, 3 को माइनस 3 में, 4 के लिए कुछ बचा ही नहीं. तो ये जो नीचे वाला लिखा हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक, ये रॉन्ग है. क्या लिखा हुआ है, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा है कि देखिए, अगर आप सिंपली 1 लगाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो इसका समझाने का मकसद सिर्फ ये है. हेलो हेलो, आ रही, ठीक है बेटा, ये कॉम्बिनेशन, ये जी, ये जो साइन बिट है, अगर ये जीरो कर दिया जाए तो पॉजिटिव होंगे, अगर वन कर दिया जाए तो नेगेटिव होंगे. यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले जीरो था, अब ये माइनस जीरो हो गया. क्या ये माइनस जीरो होता है एक्चुअल में? नहीं होता. अगर इसको बाइनरी फॉर्म होता नहीं है, लेकिन ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ समझाना चाह रहा है. ये कह रहा है कि अगर एमएसबी वन हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, लेकिन इसने ये बताया कि खाली एमएसबी वन करने से काम नहीं बनेगा. इसने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश करते हैं. क्या करने की कोशिश करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट. जैसे आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके मुताबिक ये भी ठीक नहीं बना, वंस कॉम्प्लीमेंट से भी आप नेगेटिव नंबर नहीं बना सकते. अगर किसी नंबर को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा. क्या लेना होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देन उसमें वन प्लस कर देते हैं. जैसे आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये देखिएगा इधर, यहाँ इसने ये बात जो दोनों सेम कलर में रखी, पता क्या बताना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जीरो कभी नेगेटिव नहीं होता. जीरो कभी नेगेटिव होता है, किसी ने सुना अभी तक कि जीरो नेगेटिव हो? नहीं सर. इसलिए आप जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें सपोज करें कि ये देखिएगा,
क्या लिखा हुआ है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन थे ना, तो क्या बनते हैं, -4, -3, -2, -1, ये चार हो गए नेगेटिव कॉम्बिनेशन, देन 0, 1, 2, 3, ये हो गए चार पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, 8 पूरे हो गए ना, तो 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप किसी नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके एमएसबी को 1 कर दें और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आपको उस पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब आप उस पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नेगेटिव नंबर का अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट लेंगे कैसे? ले मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने वर्ड इसलिए खोला हुआ है, चलें एक नंबर में लिखता हूँ, सपोज करें कि मैंने लिखा 12, 4 डिजिट का नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1 एंड 1, बार में कहां पर बताइएगा, बहुत टाइम हो गया मैंने, हाँ होम पे आ गए, होम अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओके ओके थैंक यू, लेकिन बेटा पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर होगा ये तो। चले अब ठीक है, ये 4 डिजिट वैल्यू है। अगर इसका आप वेट देखें बाइनरी में, जिस तरह हम लिखते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका वेट होगा ये 1, 2, 4, 8, 8, ये जो सेकंड डिजिट है इसका वेट होगा 4, थर्ड का होगा 2, और ये जो फर्स्ट है इसका होगा 1। यानी कि जिस तरह हम डेसिमल में लिखते हैं ना, हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000 होता है, बाइनरी में क्या होता है जो वेट है वो 1, 2, वहां डेसिमल में 10 टाइम्स बढ़ता है यूनिट। जैसे आप, मैं एक मिनट बताना चाह रहा हूँ, जो वेट होता है देखिएगा, अगर आप लिखते हैं ना 333, जो पहला डिजिट है उसका वेट 3 है, लेकिन जैसे सेकंड पे जाते हैं वो 3 नहीं रहता, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है 30। जब वो फर्दर एक स्टेप आगे जाते हैं तो वो 30 नहीं रहता, वो 300 हो जाता है। डेसिमल सिस्टम है ना, वैल्यू 10 टाइम्स रेज करती है, ये बाइनरी है, यहाँ वैल्यू 2 टाइम्स रेज करती है। जो फर्स्ट डिजिट है, जी बोले, जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन एक बात सुने, जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 0 1 में और 1 0 में चेंज होता है। एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट से पहले मैं कुछ और बताने लग गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, ये इस वक्त लिखा क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा कि फर्स्ट डिजिट है इसका वेट 1 होता है, सेकंड का 2 होता है, थर्ड का 4 होता है और फोर्थ का 8 होता है। अगर ये 1 होगा तो ये वेट काउंट हो, जैसे 12 है, मैंने लिख बताया ना 12 है, क्यों 12 है, 8 का डिजिट 1 है तो 8 आ गया, 4 वाला डिजिट 1 है तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, ये जो 0 थे काउंट नहीं हुआ इनका वेट। आ गया समझ में? सही है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल है ना। हाँ हाँ, बस वो बताया बिल्कुल। अब हम लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या होता है, हम इनवर्स कर लेते हैं 1 को 0, 0 को 1, तो ये 0, ये 0 और ये 1, ये 1, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। देन जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए, एक बात मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई जो मैं बताना चाह रहा था, चलें अब उसके बगैर ही कर लेते हैं। इसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे, ये प्लस और ये 1, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा 110, कैरी चला गया 110, कैरी चला गया 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये -12 है, ये एक्चुअली एक काम करें, इसको जो मैंने आपको बताया है ना, 4 डिजिट का नंबर है, आप इसको, मैंने नंबर आप लोगों के लिए गलत ले लिया, ये फिर मुझे 5 बिट का डिजिट का नंबर लेना चाहिए था समझाने के लिए। चलें 5 डिजिट का ले लेते हैं, फिर बात क्लियर हो जाएगी। क्या कर लेते हैं, ये मैंने 5 डिजिट का ले लिया ताकि बात वही रहे, और ये मैंने यहाँ कर दिया S लिख दिया, इसका मतलब ये है कि मैं इसे एज ए साइन बिट यूज करूंगा, ये 0 हो गया, अच्छा सॉरी
ये फिर वन में, जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें वन प्लस करेंगे अब बात बिल्कुल ठीक बैठेगी, तो ये आपके पास आ जाएगा वन। अब देखिएगा, वन प्लस वन जीरो, ओके, वन कैरी आ गया, वन प्लस वन जीरो, वन कैरी आ गया, वन प्लस जीरो वन, और ये चीज है, ये जो नंबर आपके पास, ये माइनस ट्वेल्व है, जो मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ सही, वन को ऐड करें, नहीं ये वन, ये साइन, ये बेटा ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए है आपके पास, ठीक है ना। साइन नंबर्स में जो लास्ट बिट होती है वो ये बताती है कि ये मैग्नीट्यूड, ये साइन है, ये एमएसबी डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट, ये साइन डिजिट होता है, ये मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं होता। अच्छा, लेकिन इसका एक और चैलेंज शॉर्टकट है मेरे पास बताने के लिए, क्या है शॉर्टकट है आपको, आपके लिए, और शॉर्टकट इस तरह से है, छोटे नंबर में बताता हूँ, ये बड़ा है डायरेक्ट, आप समझने पड़ेंगे। चलें जी, ये मैंने कहा कि आपके लिए एक नंबर लिखा 3011, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एक्चुअली जो रेंज आपने देखी थी, वापस मुझे कहाँ पर, इस पर आना पड़ेगा, जो रेंज देखी थी, यहाँ देखिएगा, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। 2 पावर 3 पे जो आपकी रेंज बनती है, अनसाइंड में 0 टू 7 बनती है और साइंड में -4 टू 3 बनती है। इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड के लिए जो सिर्फ 2 डिजिट काउंट होंगे, जो थर्ड डिजिट है वो साइन के लिए काउंट होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सॉरी ये नहीं, इस पर आ जाते, ये है 3, ठीक है। आप चाह रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट करें, -3 में, -3 तो आता है ना, क्योंकि जो 3 डिजिट की वैल्यू है वो -4 से कहाँ तक जाती है, +3 तक जाती है, तो 3 उस रेंज में आता है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, देन इसमें हमने 1 प्लस कर दिया। जैसे आप 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 101 101, ओके, 101, तो ये आपके पास 3 था, ये आपके पास -3 है, ये आपके पास 3 है, ये क्या है, ये -3 है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, ये और बेटर हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक डिजिट और एक कॉलम और बढ़ाता हूँ, इससे वो बात आपको क्लियर हो जाएगी। लेफ्ट, ये देखिएगा, मैं इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ जैसे, ताकि आपको, ठीक है, अच्छा खत्म, चलिए देखिएगा, ये मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, देन ये मैंने लिखा आपके लिए -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5, दिस इज -6, दिस इज -7, एंड दिस इज -8। आगे समझ में, अब गौर से देखिएगा कि ये ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये मैंने जीरो जो लगाए नहीं है, ये 4-bit के, ये मैं कुछ और समझाने के लिए लगाया था कि जो बाइनरी काउंटिंग होती है हमारे पास, फर्स्ट टू को, यानी कि 0 से 1 तक आपके पास 1-digit नंबर होता है, देन 2-digit नंबर, देन 3-digit नंबर, देन 4-digit नंबर, ये समझें इनके आगे जीरो है, जीरो लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके, बट 1 लिखने से यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपके पास ये -8 है, अगर आप जो है क्या करेंगे,
इस पे 7 पे आ जाते हैं, ये 7 है, अगर आप 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, अगर आप इस 5 का 2's 101 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। 2's कॉम्प्लीमेंट के जरिए नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो जब भी आप नेगेटिव नंबर लिखें, बस जो एक्चुअल बात थी बताने वाली वो ये थी कि अगर कोई कहता है कि मैंने 7 लिखा है, क्या लिखा है, और वो 1 लिख के रुक जाता है, तो ये एग्जैक्ट 7 नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्ट 7 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि साइन नंबर्स की रेंज उसे, तो जब भी आप साइन नंबर्स की बात करते हैं तो आपको जो लास्ट बिट है वो किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए यूज करना पड़ती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता कि जस्ट आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है आप उसकी जो साइन बिट को 0 से 1 कर दें वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ ये बताने का मकसद है कि जब भी आपको किसी नंबर को की साइन चेंज करना हो तो आपको लाजमन क्या करना पड़ेगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जैसे आपने किसी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो 2's कॉम्प्लीमेंट पर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो 2's कॉम्प्लीमेंट पर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर जो नंबर्स होते हैं लार्ज नंबर्स, उनको 2's नेगेटिव नंबर्स को देखकर हम उसके मैग्नीट्यूड का अंदाज नहीं लगा पाते। तो अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर की मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, नोट करें कि अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर की एक्चुअल मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट आता है तो इसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, तो वो वही मैग्नीट्यूड होता है जो एक्चुअल में किसी भी नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, लेकिन वो एक और शॉर्टकट है मेरे पास, एक और शॉर्टकट है, उसके जरिए भी आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटे नंबर्स पे करके दिखाता हूँ, ये हाँ इस पे हो जाएगा। ओके, ये देखिएगा बेटा इधर, हेलो आवाज आ रही है, हेलो, यस सर, अभी ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये यू समझे कि ये अनऑफिशियल टाइप की चीज है, ये इस्तेमाल होती है लेकिन बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलेगा, कुछ लोगों के पास मैंने देखा। सपोज करें कि ये नेगेटिव नंबर है, ओके, अच्छा इनका वेट आप करें मालूम, जैसे ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, आपको पता है कि जो 4 बिट का आपके पास अपना जो 3 बिट का नेगेटिव नंबर होगा, 3 बिट का नेगेटिव नंबर साइन नंबर होगा, उसकी रेंज होगी -8 से लेकर +7 तक। 3 बिट का सॉरी 4 बिट का, गलत बोल दिया मैंने, जो 4 बिट का बाइनरी नंबर होगा साइन नंबर, उसकी रेंज होगी -8 से लेकर +7 तक। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि आपके पास कोई भी नंबर है अगर उसका MSB 0 है तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो ही क्या है, उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ नेगेटिव और आप क्विक में विदाउट कंप्यूटिंग 2's कॉम्प्लीमेंट आप उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाह रहे हैं तो ये शॉर्टकट मेथड है, जो बड़े नंबर्स पे अप्लाई करते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, छोटे नंबर्स पे 4 बिट पर तो बड़े आराम से अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नोट कीजिएगा, मैंने बताया था कि इनके वेट क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8 ऐसे ही होता है। तो जो MSB 1 है इसको हमने वेट काउंट कर लिया -8, बाकी जो डिजिट हैं इनके जो वेट हैं वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, इसमें तो सारे जीरो हैं, किसी का वेट काउंट नहीं होगा, इसलिए -8 ही रहेगा। अब सपोज करें इस नंबर पे आ जाते हैं, ओके, ये जो 1 है ये -8 हो गया, इसका वेट कितना होता है, +1, इसका होता है +2, +2 +1 कितने हो गए, +3 को -8 से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि जो 3 बिट हैं इनकी एक्चुअल वैल्यू को आप MSB से माइनस कर दें तो जो वही नंबर आएगा जो बनना था। अब देखिएगा, ये था -8, इसमें से ये इनका वेट बनता है 3, -8 -3 कितना बन जाएगा, -8 में से अगर आप 3 माइनस कर देंगे, यानी कि उसको प्लस कर देंगे, सॉरी ये जो -1 है इसको, एक मिनट अगेन देखिएगा, और सिंपल आ गया मेरे माइंड में, ये देखिएगा यहां से दोबारा देखें, ये वेट आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ओके। अब मैंने कहा कि ये जो माइनस वन है आप इसका वेट काउंट करें माइनस एट, ये माइनस वन तो मैंने बोल दिया सॉरी, जो एमएसबी वन है आप इसका वेट काउंट करें माइनस एट क्योंकि साइन नंबर से। इसके बाद ये जो बाकी थ्री बिट हैं इनका वेट इसमें प्लस कर दें, ये नेगेटिव नंबर है जब आप प्लस करेंगे ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या मैं ये कहूँ कि इसके वेट से सब्ट्रैक्ट कर दें, बात वही है। तो ये देखिएगा ये माइनस एट था, इसमें से आपने इसमें प्लस वन किया तो क्या हो गया माइनस सेवन, ये माइनस एट था, आपने इसमें टू प्लस किया तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, ये माइनस एट था, इसमें आपने थ्री प्लस किया तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव, ये माइनस एट था, इसमें आपने कितना ऐड किया है वन टू फोर एट, ये वन टू फोर, इसमें फोर आपने प्लस किया तो क्या आ जाएगा माइनस फोर, ये माइनस एट था, इसमें आपने फाइव प्लस किया तो आ जाएगा माइनस थ्री, ये माइनस एट था, इसमें आपने सिक्स प्लस किया तो क्या आ जाएगा माइनस टू, ये माइनस एट था, इसमें आपने सेवन प्लस किया तो आ जाएगा माइनस वन। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ये लिख करके दिखाता हूँ मैं। आ गया सर। आ गया? यस सर। ये शॉर्टकट है, चले मैं एक यहाँ करके दिखा देता हूँ। सपोज करें कि ये आपके पास नंबर है ये, ठीक है, साइन नंबर है, इसके मुताबिक हमने वेट क्या लिखा, हमने वेट लिखा पहले का वेट लिखा माइनस एट, ओके, इसको हाँ यहां कर दिया, ये जो नेक्स्ट है ये तो जीरो है, चलो जीरो लिख देते हैं, प्लस टू प्लस वन, आगे समझ में, इसका वेट वन आ गया, इसका वेट टू आ गया, ये जीरो था इसका वेट, सो जीरो आ गया, इनको आपने इसमें प्लस कर दिया क्या जाएगा माइनस फाइव, और देखिएगा आपको इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में वो माइनस फाइव ही मिलेगा, आ गया, ये देखिएगा। तो ये शॉर्टकट है। वैसे अगर आपके पास कोई भी नंबर है नेगेटिव नंबर है, आप उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं, तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ऑफिशियल मेथड वही है, और आपको जो है ना पेपर में शो मैग्नीट्यूड टूस कॉम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्विक में देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें, जो एमएसबी है उसके वेट में से उसके वेट को नेगेटिव ले लें और बाकी के वेट को पॉजिटिव लेकर सब्ट्रैक्ट कर दें, और सॉरी प्लस कर दें, सब्ट्रैक्ट खुद ही हो जाएगा, एक नेगेटिव और बाकी पॉजिटिव है, तो जो नेट आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल वैल्यू बनेगा। अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ देखिएगा ये माइनस एट है, ये सब जीरो है, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से जाहिर है, तो माइनस एट प्लस जीरो क्या आ जाएगा माइनस एट आ जाएगा, माइनस एट प्लस वन माइनस सेवन आ जाएगा, माइनस एट प्लस टू माइनस एट प्लस टू सिक्स आ जाए माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस एट प्लस थ्री माइनस फाइव, माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर, माइनस एट प्लस फाइव माइनस थ्री, माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू, माइनस एट प्लस सेवन माइनस माइनस सेवन माइनस वन, ठीक है। चलिए जी अब आते हैं अगेन, आगे समझ में आपको, कि कोई भी नंबर हो आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लें या जो मैंने शॉर्टकट बताया इससे कर लें। ये रेंजेस बता दी गई हैं, ये देखिए किसने लिखकर दिखाया खास तौर पे, ये प्लस फाइव था, ये माइनस फाइव है। यहाँ इसने जो खास बात आपको बताई है जो नोट करने वाली है वो सिर्फ ये है, आपको पता है कि थ्री डिजिट से फाइव लिखा जाता है, आप खाली 101 नहीं लिखें, अगर आप खाली 101 लिखेंगे, ये देखिएगा, अगर कोई ये लिखता है और कहता है कि दिस इज फाइव, बिल्कुल ये फाइव है अगर ये अनसाइंड हो, लेकिन हमें क्या पता ये साइंड है या अनसाइंड है, हमें तो जस्ट नंबर लिखा हुआ देखा ना हमने, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमने नंबर लिखा हुआ देखा, अगर कोई इसे अनसाइंड पढ़ेगा तो वो इसे फाइव पढ़ लेगा, लेकिन जो इसे साइंड एज ए साइंड नंबर कंसिडर करेगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा वन टू फोर दिस इज माइनस थ्री। तो एट ए टाइम इस वक्त ये आपके सामने फाइव भी है या माइनस थ्री भी है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और ये हर कोई इसे फाइव ही कंसिडर करे तो आपको यहां पर जीरो लगाना पड़ेगा, नाउ इट इज फाइव, अब कोई भी इसे माइनस थ्री नहीं पढ़ सकता। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर आ गई। ठीक है, अगर ये जस्ट ये लिखा होगा तो ये
जाहिर है कि अगर ये अनसाइंड है तो ये 5 है, और अगर ये साइंड है तो ये -3 है. तो डाउट है ना कि पता नहीं ये अनसाइंड है या साइंड है, हमें तो ये तो पता नहीं, नंबर देख के किसी को पता नहीं चलता है कि साइंड है या अनसाइंड है. तो अगर आप ये चाहते हैं कि कंफर्म वही वैल्यू हो जो आप चाह रहे हैं, यानी कि सामने वाला रीडर भी वही समझे जो आपने लिखा है, तो उस केस में आपको यूं लिखना पड़ेगा. अब ये वाकई में 5 है, ओके. इससे पहले डाउटफुल था ये, इन केस ऑफ अनसाइंड ये पॉजिटिव 5, ये 5 था, इन केस ऑफ साइंड ये -3 था. चलिए जी, अब आते हैं और आगे. मेरे ख्याल में ये बात तो कंप्लीट हो गई. अच्छा, ये नंबर्स पे देखिएगा, टाइप में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेमोरी में लिखी होगी, कंप्यूटर की मेमोरी में, या तो जाहिर है वो कोई प्रोग्राम होगा या फिर डाटा होगा, ओके. अगर डाटा होगा, कोई प्रोग्राम होगा, तो असेंबलर ने उसे, असेंबलर या कंपाइलर, उसने उसको जाहिर है कंपाइल करके या असेंबल करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया होगा. अगर वो डाटा है तो डाटा न्यूमेरिक भी होता है, नॉन न्यूमेरिक भी होता है. न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसपे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. जो आपका मोबाइल नंबर है, ये न्यूमेरिक है नॉन न्यूमेरिक है? कोई आंसर रिप्लाई करे कोई एक जिसको पता हो. हेलो, जो आपका मोबाइल नंबर है क्या है, न्यूमेरिक है नॉन न्यूमेरिक है? सर नॉन न्यूमेरिक. नॉन न्यूमेरिक, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एग्जैक्टली नॉन न्यूमेरिक है. न्यूमेरिक की पहचान ये है कि उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दो लोगों का नंबर प्लस किया हो और एक थर्ड किसी तीसरे नंबर बंदे का नंबर बन गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो जो नॉन न्यूमेरिक्स होते हैं उनमें सिर्फ करेक्टर्स नहीं होते, नंबर्स भी आते हैं. इन नंबर्स को हम पढ़ते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है. तो कैरेक्टर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, ये सब के सब नॉन न्यूमेरिक कहलाते हैं. और नॉन न्यूमेरिक डाटा में नॉमिनल डाटा आ जाता है, अगर आप डाटा माइनिंग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है. न्यूमेरिक आपके पास फर्दर टू टाइप्स का डाटा होता है, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, या इंटीजर्स होंगे. या तो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे या इंटीजर्स होंगे, ठीक है. अगर फ्रैक्शनल होंगे तो जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर के पास पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं होता, जिस तरह इसने नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट का सहारा लिया, बिल्कुल इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसके पास अलग से एक फॉर्मेट है, और जिसका नाम क्या है, IEEE 754 फॉर्मेट है, ओके. अब आ जाते हैं इंटीजर्स को. फ्लोटिंग पॉइंट्स की अलग से जो है मेरे पास लेक्चर है, वो मैं आप लोगों को जब बताऊंगा दूंगा ना तो उस वक्त बता दूंगा ये. इसके बाद आते हैं इंटीजर्स पे. इंटीजर्स आपके पास फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, या तो आपका जो डाटा है इंटीजर्स में वो रियल वर्ल्ड डाटा है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, हम रियल लाइफ में जो कुछ भी लिखते हैं वो डेसिमल में लिखते हैं, या तो वो डेली लाइफ की एक्टिविटी के नंबर्स हैं जो हम मार्केट में, जो घरों में यूज करते हैं, या फिर वो नंबर्स हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं. अगर ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, होने वाले नंबर हैं, तो फिर ये डेसिमल है. डेसिमल में आपके पास 10 डिजिट होते हैं, मीन्स 10 सिंबल्स होते हैं, ठीक है. अब ये जो 10 सिंबल्स हैं, इसकी अगर आपको मैं इम्पोर्टेंस बताऊं, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि आप डेसिमल नंबर को ही बाइनरी फॉर्म में लिखें तो आपको पता चलता है कि जो 7 तक तो 3 डिजिट का डाटा होता है, 7 के बाद जो है 8, 9, 10, ये 4 डिजिट डाटा आता है बाइनरी में, ओके. लेकिन बाइनरी में आप जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं 16. इसका मतलब ये है कि अगर आप डेसिमल नंबर यूज करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के पास जो है अच्छी खासी स्पेस वेस्ट हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर में क्या कहना चाहिए, 16, आपके पास कोई बिल्डिंग है जिसमें 16 कमरे हैं, आप 10 कमरे यूज कर रहे हैं, बाकी 4 कमरे, आपके 6 कमरे जाया हो रहे हैं, वो आप किसी काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते. लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर है, जाहिर है कि ये 4 बिट में बिट का नंबर होता है, तो इसके टोटल बनते हैं 16 कॉम्बिनेशन. तो ये आपके लिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है एज कम्पेयर टू डेसिमल नंबर, क्योंकि ये किसी भी स्पेस को वेस्ट नहीं में जाने नहीं देता. जाहिर है कि डेसिमल में जो है, आपको पता है कि जब आप डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में लिखेंगे
वन जीरो से लेकर सेवन तक थ्री डिजिट के आ जाएंगे, एट नाइन टेन फोर डिजिट के होंगे, फोर बिट के होंगे, ठीक है, जीरो से सेवन तक थ्री बिट के, एट नाइन टेन फोर बिट के। अब फोर बिट के आपके पास फर्दर नंबर आ सकते हैं लेकिन आपके पास कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, वो स्पेस क्या हो गए, अनअसाइंड हो गए, अभी तक अनएलोकेटेड हो गए, वो यूज ही नहीं हुए, वो स्पेस बेकार में गई। हेक्साडेसिमल नंबर इसलिए यूज किए जाते हैं कि इसमें पूरी की पूरी स्पेस यूटिलाइज होती है, आप सिर्फ जीरो से नाइन तक की स्पेस यूज नहीं करते, आप इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, अप टू 15 तक ये जो स्पेस, यानी कि 0 से 15 तक 16 बनते हैं ना, पूरी स्पेस यूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अब ये बाकी जो 6 स्पेसेस आई हैं, इनको क्या साइन करें, तो इनके लिए जो करेक्टर, इनके लिए जो फर्दर जो है, जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है ना शुरू के 6 ए बी सी अप टू एफ, ये असाइन कर दिए गए हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इनके असाइन करने से अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इनके असाइन करने से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ खासतौर पे जब आप लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे असेंबली वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो वहां आपको लिखा होगा खासतौर पे कि कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी जो लेबल है, वो हमेशा अल्फा इंग्लिश कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। सपोज करें कि मैंने लिख दिया ए, ये बिल्कुल एक वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया, अच्छा मैंने लिखा ए सेवन, ये एक वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। दूसरी तरफ ये ए सेवन जो है ये कोई नंबर भी हो सकता है। चलें एक और मैं लिखता हूं आपके सामने सेवन ए, सेवन ए को देखते ही कंफर्म हो जाता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन ए सेवन को देखते हुए कंफर्म नहीं होता। ए सेवन जो है ये कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, सेवन ए वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसमें रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है, जो सिंबल है, या तो कोई सिंबल होगी या कैरेक्टर होगा, या कोई सिंबल होगी या कैरेक्टर होगा, ठीक है, कोई भी डिजिट फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी लेबल का। तो ये जो है ये तो लेबल नहीं हो सकता, ये अंडरस्टूड है। ए सेवन लेबल हो सकता है, ए सेवन नंबर भी हो सकता है, सेवन ए नंबर ही होगा, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो जिस तरह असेंबली लैंग्वेज में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पता क्या कंडीशन रखी गई, अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज करें कि आपने लिखा जिस तरह सेवन ए है, 77 है, 03 है, सॉरी जस्ट 5 है, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, आपको इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने नंबर आ गया ए सेवन, इसमें डाउट क्रिएट हो जाएगा, धीरे से कंफ्यूजन वेदर इट इज हेक्साडेसिमल वैल्यू और अ लेबल। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक जीरो इससे पहले लगाना पड़ेगा। जैसे आप जीरो लगाएंगे, अब ये अंडरस्टूड हो गया कि अब ये वाकई हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है। ये बात क्लियर हुई कि जो बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? हेलो सर, दोबारा रिपीट कर दें सर। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है ना बेटा, जब आप उस कोड को क्या करते हैं, तो एक्चुअली असेंबली में जो आप नंबर देते हैं वो सारे के सारे हेक्सा में देते हैं, ठीक है। आपको पता है हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं आपके पास, 0 अप टू एफ। जब आप जब कोई नंबर ए से स्टार्ट, किसी भी करेक्टर से स्टार्ट होता है ना, ए से लेकर एफ से, एफ तक, सपोज करें कि मैंने F3 लिख दिया, तो इस वक्त जो असेंबलर है, ये कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होता, ये कंफ्यूजन किसके लिए होता है, असेंबलर के लिए। असेंबलर इसको देख के कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि ये वाकई में कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है या वेरिएबल है। क्यों, A से लेकर F तक जो है ये इंग्लिश के कैरेक्टर्स भी हैं और ये हेक्साडेसिमल के डिजिट भी हैं। आ गया समझ में? जीरो से लेकर सेवन तक ये तो वाकई में करेक्ट डिजिट हैं, कंपाइलर को कोई परेशानी नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि सेवन कैन नॉट बी वेरिएबल, अ वेरिएबल, एट कैन नॉट बी अ वेरिएबल। जैसे ये सेवन ए है तो वो देखते ही कहेगा दिस कैन नॉट बी अ वेरिएबल। क्यों, जो फर्स्ट करेक्ट सिंबल है वो डिजिट है, कैरेक्टर नहीं है। यहां पर भी कोई डाउट नहीं है, ये वैल्यू ही है, वेरिएबल नहीं हो सकती, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है,
ये जो दो नंबर है ना A7 और F3, इसमें डाउट है। ये जो A है, ये आपको पता है कि एक तरफ ये इंग्लिश का करेक्टर है, दूसरी तरफ ये हेक्साडेसिमल का डिजिट है। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए क्या 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 किया जाता है, इससे पहले जीरो अपेंड कर दिया जाता है। ये देखिएगा, ये जीरो अपेंड कर दिया इससे पहले। जैसे आपने जीरो लगाया, अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। सर ये कंपाइलर खुद करता है? ये नहीं, कंपाइलर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए जीरो आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में। अगर आप ये जीरो नहीं लगाएंगे, कंपाइलर जो है, कंपाइलर को छोड़ें, असेंबलर की बात है, मैं इस वक्त ये हाई लेवल लैंग्वेज की बात, असेंबली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें तो आप डेसिमल में देते हैं, वहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, जो डाटा देते हैं या तो कैरेक्टर्स होते हैं या आपके पास नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नंबर देते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि ए से लेकर एफ तक जो भी डिजिट आएगा आपको ये बताना पड़ेगा दिस इज अ डिजिट, अदरवाइज कम जो असेंबलर है वो कंफ्यूज रहेगा कि वेदर इट इज अ डिजिट और अ कैरेक्टर। बस ये बताने के लिए आपको जीरो लगाना पड़ता है लाजमी, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। तो आपके पास अगर नंबर आ गए तो नंबर फिर आपके पास जो है, ठीक है बेटा, ये हेक्साडेसिमल नंबर आ गए तो वो अगेन टू टाइप्स के हैं, या तो अनसाइंड होंगे या साइंड होंगे। अनसाइंड नंबर में तमाम के तमाम जो डिजिट हैं वो एज उनकी मैग्नीट्यूड काउंट होगी, जबकि जो साइंड नंबर्स हैं उनमें जो लास्ट डिजिट होगा वो MSB कहलाएगा, वो साइंड डिजिट कहलाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट ना लें तो आप जो MSB है उसका भी वेट, उसका वेट नेगेटिव काउंट करें, बाकी का वेट पॉजिटिव काउंट करें, ऑटोमेटिकली आपको नंबर पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में ये बातें कवर कर ली हमने सारी। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? हेलो, किसी के माइंड में कोई क्यूरी हो बेटा, बगैर किसी, ये एक होता ना, कोई घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछने पर किसी के मार्क्स कट नहीं करता। कोई डाउट है किसी के माइंड में? चले आगे चलते हैं। ओके, ये आ गया जी। सबसे पहले जब भी COA पढ़ाया जाता है, एडिशन पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है? सबसे पहले नंबर्स की एडिशन। आप कहेंगे कि यार ये क्या है, एडिशन तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये तो जो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको भी आती है, यानी कि जो 2-3 क्लास के जो बच्चे होते हैं स्टैंडर्ड, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो उनको भी आती है। लेकिन इतना सुन लें कि जो एडिशन का जो प्रोसेस है और इस एडिशन का जो सर्किटरी है, अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर ली तो समझ लें कि आपने जो कंप्यूटर की जो बेस है ना वो अंडरस्टैंड कर ली। कंप्यूटर के पास इतना सुन लें, ना तो सब्ट्रैक्शन की कोई सर्किटरी होती है, ना मल्टीप्लाई की कोई सर्किटरी होती है, मल्टीप्लिकेशन की, ना ही डिवीजन की कोई सर्किटरी होती है। कंप्यूटर के पास सिर्फ और सिर्फ एडर की एडिशन की सर्किटरी होती है। कंप्यूटर के पास सिर्फ और सिर्फ एडर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, जो आपका CPU है उसके अंदर जो मेन सर्किटरी है ना अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन, चार ऑपरेशन होते हैं ना आपके पास अरिथमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब आप उसमें स्क्वायर रूट भी शामिल कर लें तो 5 हो गए आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट खैर अरिथमेटिक से ऊपर की चीज़ है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये जो चार बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इतना सुन लें कि इन चारों के लिए अलग अलग सर्किटरी नहीं होती। जो CPU के अंदर बिल्ट इन सर्किटरी होती है ना जिसका काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन इनके लिए अलग से कोई सर्किटरी नहीं होती, सिर्फ एक ही सर्किटरी होती है, एडर की सर्किटरी। ठीक है, तो एडर का सर्किट होता है जिसका फंक्शन होता है कि वही सर्किट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, वही सर्किट मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता है और वही सर्किट डिवीजन परफॉर्म करता है। ओके,
तो इसलिए एडिशन अंडरस्टैंड करना और फिर उस एडिशन का जो सर्किट है जो आप लोग पढ़ के आए होंगे डीएलडी वगैरह में आपने पढ़ा होगा एडर सब्ट्रैक्टर, वो दोबारा से आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिएगा ये उसके लॉजिकल सिंबल। अच्छा आमतौर पर आप जब भी एड या सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो सपोज करें कि मैंने कहा कि आपके पास टू वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या हैं, आपके पास वैल्यूज हैं आपने कहा 456 आपने कहा प्लस 234। जब आप इसे प्लस करते हैं तो तरीकेकार क्या होता है आपका, जब भी आप प्लस करते हैं अभी तक जो आपने बेसिक जो जो क्लासेस में पढ़ा है वो ये है कि आप यूनिट से स्टार्ट करते हैं, आप पहले यूनिट के डिजिट्स को ऐड करते हैं, देन टेंस के डिजिट को ऐड करते हैं, देन हंड्रेड्स के डिजिट को ऐड करते हैं। चलें अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पास अगर मैं वैल्यू लिख देता आपके लिए लिख देता हूँ 4567 देन प्लस 3 मेरे पास अगेन वैल्यू है 4567। अच्छा ये मुझे स्पेस देना पड़ेगा अगर एक एक उसका ठीक है बेटा, ये देखिएगा ये आपके पास टू अमाउंट्स हैं, ये दो वैल्यूज हैं, ये टू डिजिट वैल्यूज हैं, ये फोर डिजिट वैल्यूज हैं, ये थ्री डिजिट वैल्यूज हैं, ऐसे ही है। ये कितने, ये टू डिजिट डेसिमल वैल्यूज हैं, ये टू डिजिट वैल्यूज हैं, ये फोर डिजिट वैल्यूज हैं, ये थ्री डिजिट वैल्यूज हैं। आप इनको सम करते हैं, बेसिक क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है कि पहले यूनिट सम करते हैं, देन उसका कैरी जो है आप किसको देते हैं, टेंस को देते हैं, फिर टेंथ का टेंथ जो टेंथ है इनका कैरी आप हंड्रेड्स को देते हैं, हंड्रेड्स का कैरी थाउजेंड्स को जाता है एंड सो ऑन, ये प्रोसेस जारी रहता है। अगर आप बाइनरी में लिखें, अगर आप बाइनरी में लिखें, बाइनरी में भी ऐसे ही है। सपोज करें कि आपके पास नंबर है आप इनको प्लस करना चाह रहे हैं, यहां पर भी सेम होगा, पहले आप इन वंस को ऐड करेंगे, फिर टूज वाले वंस को ऐड करेंगे, फिर फोर्स वाले वन को ऐड करेंगे, फिर एट्स वाले वन को ऐड करेंगे, ऐसे ही होगा ना। इनका जो कैरी है इनके पास आएगा, इनका कैरी इनके पास आएगा, इनका कैरी इनके पास आएगा और इनका कैरी आगे जाएगा, ऐसा ही होता है। अब ये बताइए कि आपके पास क्या इस तरह से होता है कि टू डिजिट नंबर की सर्किटरी अलग होती है, थ्री डिजिट नंबर की सर्किटरी अलग होती है, फोर डिजिट नंबर की सर्किटरी अलग होती है, एट डिजिट नंबर की सर्किटरी अलग होती है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको जो सर्किटरी अंडरस्टैंड करना है वो ये नहीं है कि फोर डिजिट का अलग से, थ्री डिजिट का अलग से, सेवन डिजिट का अलग से, बल्कि आपने इसका जो एक्सट्रैक्शन लेना है, एक्सट्रैक्शन ये है कि अगर आपने वन डिजिट का एडर बना लिया जो सिर्फ वन डिजिट की वैल्यूज को ऐड करे, तो समझो आप उसी को रिपीट करके बाकी वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक सर्किटरी हो जो 7 प्लस 2 कर सके, तो वो 67 प्लस 52 भी मालूम कर लेगी, वो 567 प्लस 452 भी मालूम कर लेगी, वो 4567 प्लस 3452 इनका एडिशन भी मालूम कर लेगी। अगर आपने सिंगल डिजिट एडर्स बना लिया उसी को आप रेप्लिकेट करके मल्टीपल डिजिट एडर भी आप मालूम बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? तो ये आपके पास ये एडर, ये हाफ एडर है, किसी भी एडर के लिए आपके पास जो चार हाफ एडर के लिए, इसे हाफ एडर क्यों कहा गया, क्योंकि जब आप यूनिट्स को ऐड करते हैं हमें पता होता है यूनिट्स को कैरी कहीं से नहीं आना, लेकिन टेंस को ऐड करते वक्त हमें फिक्र होती है कि यूनिट से कैरी आया कि नहीं आया, हंड्रेड्स को ऐड करते वक्त हमें फिक्र होती है कि टेंस से कैरी आया कि नहीं आया, थाउजेंड्स को ऐड करते वक्त हमें फिक्र होती है जो हंड्रेड थे कि डिजिट का डिजिट था उससे कैरी आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इसके पास जहां कैरी आउट है, हाँ बेटा रख दे, इसके पास कैरी इनपुट भी हो सकता है।
आंटी कहाँ है? आंटी कहाँ है? आंटी कहाँ बैठी है? आप यहाँ रख के चले जाएं, ठीक है। मोहतश्याम बेटा गेट बंद करे, मोहतश्याम जाओ गेट बंद करो, ठीक है बेटा। इससे हाफ एडर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो इनपुट कैरी है वो मिसिंग है, ओके। अच्छा, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रुथ टेबल बना के रखी है ताकि आप लोग ठीक से चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। ये देखिएगा, ये हाफ एडर है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर इस वक्त काउंटिंग भी काम आ जाएगी। आप इन्हें प्लस करते हैं, ये जो जेड है ये समेशन है, ये दूसरा ये आपके पास एडर है ना, हाँ ये देखिएगा, टू इनपुट्स हैं, टू आउटपुट्स हैं। एक जो आउटपुट है वो सम का आउटपुट है, दूसरा आउटपुट कैरी का आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है, देखिएगा टू आउटपुट्स हैं, ये सम का आउटपुट है, ये कैरी का आउटपुट है, ये इनपुट्स हैं। आप इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। कोई कैरी जनरेट हुआ, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ये बताइएगा डेसिबल में कैरी कब जनरेट होता है? जब आपका आंसर 9 से ग्रेटर होता है। जब हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर्स में सम करते हैं तो कैरी कब जनरेट होता है? जब आपका आंसर 9 से, यानी कि जो एमएस सबसे बड़ा जो डिजिट है डेसिमल में वो 9 है। जब भी आपका समेशन 9 से ग्रेटर आएगा कैरी जनरेट हो जाएगा। और बाइनरी में जो सबसे बड़ा डिजिट है वो 1 है। अगर 1 से बड़ा समेशन आ गया तो कैरी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 0 प्लस 1 क्या आंसर आया? 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, आंसर 1 आ गया, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ये बात यार, अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बस आप माइंड में ये रखें कि जब भी आप डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, जब तक आपके दो डिजिट का सम 9 या 9 से लेस रहता है कोई कैरी जनरेट नहीं होता। अगर ये क्लियर नहीं हो रही बात, यहाँ देख लीजिएगा, ये है आपके पास 7 प्लस 2 9, कोई कैरी जनरेट हुआ? नहीं हुआ। 6 प्लस 5 ग्रेटर देन 10, इन ग्रेटर देन 9 कैरी जनरेट हो गया। 5 प्लस 4 9, अभी तक तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, लेकिन अगर इनपुट कैरी शामिल कर लेंगे तो कैरी जनरेट हो जाएगा। 4 प्लस 3 7, एक कैरी भी आ गया इनपुट तो भी 8, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह यहाँ देखें 6 प्लस 4 ग्रेटर देन 9 आंसर आया तो कैरी जनरेट हो गया। 5 प्लस 3 8, अगर ये कैरी भी शामिल कर लें कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 4 प्लस 2 लेस देन 9, यानी कि लेस देन 10, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो कैरी कब जनरेट होता है डेसिमल में? जब आपका दो टू डिजिट का समेशन जो है वो 9 से ग्रेटर होता है कैरी जनरेट होता है। जब तक 9 या 9 से लेसर रहता है कोई कैरी जनरेट नहीं होता। तो बाइनरी के लिए क्या होगा? बाइनरी के लिए तो आपके पास डिजिट ही 2 हैं, जो बात मैंने यहाँ आप लोगों को इस टेबल में समझाने की कोशिश की थी। देखिएगा डिजिट ही 2 हैं, 0 एंड 1। अगर आपका समेशन 1 से ग्रेटर गया तो समझो कि कैरी जनरेट हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा, एक मिनट मैं बता कहाँ रहा था इसमें सर। हाँ बोले सर, ये जो डेसिमल नंबर जो आप बता रहे हैं इनका जो सम होगा, ये असेंबलर जो है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सम करेगा एज अ सर्किट में, या असेंबलर तो बाइनरी में कन्वर्ट करके करेगा बिल्कुल, लेकिन असेंबलर भी उसी रूल पे बनाया है ना। देखें हमारे जो एडिशन के रूल हैं, इतना सुन लें। एक बात बोली थी कि हाँ एक मिनट सुन लें, एक मेरी बात सुन लें। एडिशन के जो रूल्स है ना बेटा, वो सबके लिए सेम है। बाइनरी के लिए भी वही है, वो डेसिमल के लिए भी वही है, वो हेक्साडेसिमल के लिए भी वही है। सब्ट्रैक्शन के ये रूल है ना, ये स्टैंड वो ग्लोबल रूल है, जनरलाइज्ड कोई भी नंबर सिस्टम हो रूल्स यही चलेंगे। सर एक हाफ एडर आपने बोला था, एक हाफ एडर से हम पूरा नंबर मतलब सम कर सकते हैं सर, ये किस तरीके से करेंगे? हाँ ये इस तरह से है, देखिएगा ये आ जाएगा था। सर एक ही हाफ एडर में एक सेम एज अ सेम टाइम, इतना सुन लें बेटा, इतना सुन लें, जो हाफ एडर है वो सिर्फ 1 डिजिट एडर को सम कर सकता है, लेकिन 1 डिजिट वैल्यूज को सम कर सकता है, लेकिन 1 डिजिट वैल्यूज भी कौन सी? जस्ट यूनिट वाली। ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ना, क्या लिखा हुआ है? 456 प्लस 234, ये जो शुरू की डिजिट है ना ये है यूनिट वाला डिजिट। आपको पता है कि यूनिट के पास कैरी कहीं से आता है? कहीं से भी नहीं आता, नहीं आता ना। यूनिट कैरी देता तो है, यूनिट कैरी
यूनिट के पास कैरी नहीं आता एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट के पास इनपुट कैरी है ही नहीं। हाँ, जब आप टेंस को ऐड करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा यूनिट के केस में कोई कैरी जनरेट हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो वो यहाँ इनपुट हो जाएगा। यही करते हैं ना, 6 + 4 = 10, यहाँ 0 लिखते हैं 1 ऊपर लिखते हैं कैरी। इसके पास कैरी नहीं होता, कोई भी इनपुट कैरी होता ही नहीं है, इसीलिए जो यूनिट का डिजिट है आप उसे चाहें तो हाफ एडर से ऐड कर सकते हैं। बाइनरी में आ जाते हैं अब यही बात, ये देखिएगा इधर अगेन एक वैल्यू और लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये पहले प्लस डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसी तरह मैंने आपके लिए कर दिया ये, वही वैल्यू, ठीक है। जीरो एंड वन डबल जीरो। अब देखिएगा इधर, जब आप यहाँ प्लस कर रहे हैं, वन प्लस जीरो करते हैं तो आपको इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी कि कोई कैरी इनपुट फ्री हो सकता है। यहाँ पर आपको पता है वन प्लस जीरो आंसर क्या आ गया, वन आ गया। अगर ये ग्रेटर देन वन हो जाता तो कैरी आगे चला जाता, ग्रेटर देन वन हुआ नहीं हुआ कैरी आगे नहीं गया। जब आप इसको प्लस करते हैं ये जो डिजिट है, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था कि मतलब एक सम के लिए पूरा एक एड्रेस इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, ये चार, ये इस वक्त आपके पास चार सम है, ये एक सम नहीं है। यस सर, बस ये आपने चलो की पॉइंट बता दिया मुझे, जिसके अब ये सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बेटा ये इतना सुन लें कि ये एक सम नहीं है, ये 4 पैरेलल सम्स हैं। ये पैरेलल में कितने सम्स हैं? 4 सम्स हैं। ये पैरेलल में कितने सम्स हैं? 2 सम्स हैं। ये पैरेलल में कितने सम्स हैं? 4 सम्स हैं। ये पैरेलल में कितने सम्स हैं? 3 सम्स हैं। अब आ गया, हेलो। अच्छा सर, ऐसा, यस सर, ऐसा पॉसिबल है कि मतलब एक ही एडर में हम ये सारे सम करवाएं? हाँ, अब ये इतना सुन लें कि आपको लूप चलाना पड़ेगा, पहले वो एडर जो है इन डिजिट को सम करेगा, फिर इनको सम करेगा, फिर इनको सम करेगा। अच्छा, अगर एक ही एडर होगा ना वो सीक्वेंशियली सम करेगा, पहले यूनिट्स को सम करेगा। अगर आपके पास वन डिजिट का एडर है, कितने डिजिट का एडर है? वन डिजिट का एडर है और आपके पास 3 डिजिट के वैल्यूज हैं, तो आपको उसे 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। 4 डिजिट के वैल्यूज पे क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स यूज करना पड़ेगा, या आप यूं कहें कि उसकी 4 कॉपीज यूज करना पड़ेंगे पैरेलल में। सर, ये सर्किटरी में किस तरीके से होगा प्रोसेस, थोड़ा? हाँ, वो सर्किटरी में बताऊंगा ना मैं, ये तो उससे पहले की मैं बेस, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को जो बताना चाह रहा था मैं? यस सर। अगर ये समझ में आ गई आगे आसानी हो जाएगी। यस सर, ये ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर 1 से बड़ा आंसर आएगा, 0 + 1 1 आया, कोई कैरी नहीं आया, लेकिन 1 + 1 आंसर 2 आ गया, 2 तो ग्रेटर है ना 1 से, कैरी जनरेट हो गया। तो यूनिट के केस में तो हमें इनपुट कैरी की फिक्र नहीं होती, लेकिन इस केस में ये 1s कहलाते हैं, ये 2s कहलाते हैं, ये 4s कहलाते हैं, जिस तरह हमारे पास होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम पढ़ते हैं ना डेसिमल में। हेलो, यस सर। हाँ, पढ़ते हैं ना यूनिट, 10, 100, 1000। बाइनरी में तो ऐसा नहीं होता, बाइनरी में होते हैं 1, 2, 4s, वेट काउंट ट्वाइस होता रहता है ना, 1s, 2s, 4s, उसके बाद आगे जो भी आप नाम दें। तो आ जाते हैं, दिस इज ये बेटा हाफ एडर की टू टेबल है, 0 + 0 = 0, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, 0 + 1 = 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, 1 + 0 अगेन 1, बट कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ओके,
एंड वन प्लस वन टू, एडिशन तो आपका जीरो आ गया और आपको पता है कि टू तो आते ही जो है टू डिजिट वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर मैंने काउंटिंग में आपको ये दिखाया है, वन जीरो वन टू, टू डिजिट वैल्यू आ गई ना। तो जब भी आपके पास कैरी के साथ दो डिजिट का आंसर आता है, जो फर्स्ट डिजिट है वो तो आंसर में लिखा जाता है और जो नेक्स्ट डिजिट है वो एज ए कैरी आगे जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर, वन यहाँ आ गया और कैरी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल है किसकी, हाफ एडर। इसके मुताबिक अगर आप इसके का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो जी मोहम्मद अली बोले बेटा, मोहम्मद अली कहाँ गया, जी बेटा क्यूरी है कोई, अपने आप को अनम्यूट करें। मोहम्मद हसन अली है यहाँ पर, मोहम्मद जुनेद खान है आई थिंक, मोहम्मद हसन अली जी सर कुछ कह रहे हैं आप। मैंने कहा किसी ने अपना हैंड रेज किया था कुछ पूछने के लिए। नहीं सर, मैंने नहीं किया था। अच्छा आपने नहीं किया था, चलें ओके ठीक है बेटा। तो ये आपके पास ट्रुथ टेबल आ गई किसकी, हाफ एडर की। अब आते हैं फुल एडर पे। फुल एडर में चूंकि कैरी इनपुट भी इंक्लूडेड होता है इनपुट्स में, इसीलिए आपके पास थ्री इनपुट आ गए। अब देखिएगा वन प्लस वन, जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो, देन उसमें आप जीरो प्लस करेंगे तो जीरो ही रहेगा, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। ओके सर ये फुल एडर है। हाँ ये फुल एडर है आपके पास, जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो। अच्छा हम ये करते हैं कि तीन वैल्यूज को एक साथ प्लस करते हैं, हम तीन वैल्यूज को एक साथ प्लस करते हैं तो जो प्रोसेसर है वो तीनों वैल्यूज को एक साथ प्लस नहीं करता, वो दो वैल्यूज को प्लस करता है। इसलिए जब मैं बताते वक्त जो ना टू स्टेज का करके बता रहा हूँ आप लोगों को, जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो, जीरो प्लस वन यानी कि आंसर प्लस वन, क्या आ जाएगा आपके पास वन आंसर आ गया और कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसलिए कि जो आपका समेशन था वो लेस देन टू था। जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो अगेन वन, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ओके जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, कैरी जनरेट हो गया टू, जो आपने देखा है यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है, ये आंसर जो फर्स्ट डिजिट है वो जीरो आंसर में आ जाएगा समेशन में और सेकंड डिजिट कैरी में चला जाएगा। तो ये देखिएगा ये आ गया। ओके अगेन आपने क्या किया, वन प्लस जीरो वन, देन वन प्लस जीरो अगेन वन, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ओके यहां पर वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, अगेन कैरी जनरेट हो गया और ये वन आंसर यहाँ आ गया, वन प्लस वन टू, टू प्लस जीरो अगेन टू, टू कैरी से आपने देख लिया ना टू, तो ये होता है टू डिजिट वैल्यू है तो जीरो यहाँ आ जाएगा समेशन में, कद वन कैरी में चला जाएगा। ओके तो ये जीरो समेशन में आ गया और वन कैरी में चला गया, वन कैरी में चला गया ठीक है। अगेन वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री देखिएगा क्या है, थ्री तो ये है वन वन, तो समिशन में भी वन आएगा और कैरी में भी वन आएगा। ओके तो ये आपके पास बन गए ट्रुथ टेबल, ठीक है। अच्छा जब आप इनके लिए इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, दो ही तरीके होते हैं ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाने के लिए, या तो आप
SOP यूज करते हैं या POS यूज करते हैं? जनरली SOP यूज करते हैं, तमाम बुक्स में SOP ही यूज किया जाता है। SOP का रूल ये है कि जो ट्रू कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ट्रू कॉम्बिनेशन कौन से हैं? जैसे समेशन के केस में जहां जहां आंसर वन आया वो ट्रू कॉम्बिनेशन है और जहां जीरो आया वो फॉल्स कॉम्बिनेशन है। और तो SOP में ट्रू कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया जाता है और फॉल्स में POS में फॉल्स कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो समेशन के लिए ये चार कॉम्बिनेशन ट्रू है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। जबकि कैरी के लिए भी चार कॉम्बिनेशन है लेकिन वो दूसरे हैं, दिस वन, दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, ये चार कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर, ये SOP वाला रिपीट कर दीजिएगा, SOP और POS वाला। चले मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं एक कॉलम और जो है ना इसमें ऐड कर देता हूँ, उससे वो लिख देता हूँ सामने, इंसर्ट, इंसर्ट टू लेफ्ट। ठीक है, तो जहां जहां वो समेशन हुआ है ना, ये सम का कैरी है, यहाँ सम है, एक्टिव है ये सम के। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समेशन के उसमें यूज होगा, इंक्लूड होगा, ये भी समेशन में यूज होगा, इंक्लूड होगा, ये समेशन में इंक्लूड होगा एंड ये समेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, समेशन के आउटपुट के लिए ये चार कॉम्बिनेशन इंक्लूड होंगे, जिस चीज में मैंने एस लिखा ना ये वाले कॉम्बिनेशन, बाकी छोड़ जाएंगे, छूट जाएंगे। देखिएगा इन्हीं में जेड वन है, बाकी सब में जीरो है। कैरी के लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए सी लिख रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन कैरी में यूज होगा, ये कॉम्बिनेशन कैरी में यूज होगा, ये कॉम्बिनेशन कैरी में यूज होगा और ये कॉम्बिनेशन दोनों में यूज होगा, समेशन में भी यूज होगा और कैरी में भी यूज होगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है ना, वो बनता है एक्स एक्स और वाई लिखने का तरीका का आमतौर पर ये होता है, ये देखिएगा आगे लिखा हुआ इसमें, ये कैरी, ये जो आपके पास कैरी है, अच्छा मैंने आपके लिए फुल एडर, अच्छा फुल का ही बता रहा हूँ ना, फुल पर ही आ जाता हूँ। ये देखिएगा बेटा, ये एक्सप्रेशन है समेशन का, चार कॉम्बिनेशन थे, देखिएगा ये वही चार कॉम्बिनेशन है। अगर आप गौर से देखें तो एक्स वाई था ना वहाँ पर, आपने ये देखा था कि हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक भी कॉम्बिनेशन वन है, एक यानी कि तरतीब ये बनी थी, ऑर्डर ही बना था, जो इनपुट से अगर नंबर ऑफ वंस की तादाद ऑड है तो समेशन वन आएगा और अगर नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन है तो समेशन जीरो आएगा। जीरो भी इवन में होता है, देखिएगा नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन है, जीरो है इसका मतलब कोई भी नहीं है, समेशन जीरो आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद ऑड है, समेशन आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद अगेन ऑड है, समेशन आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन है, समेशन जीरो हो गया फौरन। ठीक है, समेशन वन, समेशन वन, समेशन जीरो। नंबर ऑफ वंस की तादाद ऑड है, समेशन वन आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन है, समेशन जीरो आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद इवन है, समेशन जीरो आ गया। नंबर ऑफ वंस की तादाद अगेन ऑड है, समेशन वन आ गया। ओके, तो आपको एक बार जरूर मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जो बात मैंने बताई है, ये देखिएगा कोई बार नहीं है, वन बार, वन बार, वन बार, हर कॉम्बिनेशन में वन बार लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक मिनट, ये गड़बड़ तो नहीं हो गई लिखते वक्त? हाँ ये गड़बड़ हो गई बेटा लिखते वक्त, आपको वहाँ टू बार्स मिलेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने, या तो आपको जो है कोई बार नहीं मिलेगा या आपको टू बार्स मिलेंगे। बार जीरो को शो करता है, अगेन मैं टू टेबल पे चला जाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर, ये है ना x बार y बार c in, x बार y c in बार x बार ये नहीं, ये आ गया x y बार c in बार। अच्छा ये जो टीचर जिसने भी बनाई थी ये, उससे लिखने में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन जो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर ये आएगा। ओके, ये समेशन का एक्सप्रेशन है और ये कैरी का एक्सप्रेशन है। अच्छा यहाँ जो ये वन बिट एडर जो आपके पास, ये वन बिट एडर का ये समेशन का आउटपुट है, का एक्सप्रेशन है और ये कैरी का, कैरी आउट का एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखिएगा समेशन में कैरी इनपुट इन्वॉल्व होता है
और कैरी आउट में भी कैरी इनपुट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्वॉल्व क्या क्या होता है, यहाँ इन्वॉल्व होता है एक्स और वाई दोनों इनपुट इन्वॉल्व होते हैं और कैरी इनपुट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ बस ये याद रखिएगा कि इसको अगर आप लिखना चाहें ना, सी इन कैरी ले लें, कॉमन ले लें, सी इन कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स आई प्लस वाई आई ब्रैकेट ओवर इंटू सी इन। तो अगर प्लस आ जाए तो और होता है, अगर डॉट हो तो मल्टीप्लाई एंड होता है, ये आपको याद रहना चाहिए बस। अब देखिएगा इधर। अच्छा, ये इसमें इनसे मिस्टेक हो गई है, टू टू बार्स आएंगे इसमें, ठीक है। ये आपके पास कैरी आउट है। अच्छा, कैरी आउट में आमतौर पे थोड़ा सा यहाँ इसने एक ट्रिक फॉलो की है सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं की। वो ट्रिक क्या है, गौर से देखिएगा यहाँ पर, ये जो बात समझाने जा रहा हूँ ना, इस पे सब फोकस कीजिएगा तब वो क्लियर होगी। आमतौर पे जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कॉम्बिनेशन के तीनों इनपुट्स को, सारे इनपुट्स को शामिल किया जाता है। यहाँ थ्री इनपुट वैल्यूज है ना, तो जिस तरह मैंने समेशन में बताया कि कोई भी एक इनपुट वन होना चाहिए, जब कोई एक इनपुट वन हो या कोई दो इनपुट हो, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हैं, अगर ये कहें नंबर ऑफ जीरोस या तो वन हो, सॉरी नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, तो आपको तीनों को तीन कॉम्बिनेशन शामिल करना पड़ रहे हैं। अब जरा आप कैरी आउटपुट को देखें, अगर आप कैरी आउटपुट को देख रहे हैं तो कैरी आउटपुट को देखते हुए हमें एक बात पता चलती है, वो बात क्या पता चलती है कि नंबर ऑफ वंस ग्रेटर देन वन होने चाहिए, या तो दो हो या तीन हो, बस दो हो जाए कैरी आ जाता है। नंबर ऑफ वंस अगर दो हो जाए तो कैरी आ जाता है। गौर से देखिएगा, ये जो कैरी का कॉम्बिनेशन है इसमें क्या है, एक्स जीरो है, वाई और सी इन वन है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अगर इस पे देखते हैं तो एक्स और सी इन वन है, वाई जीरो है। अगर इसे देखते हैं तो एक्स और वाई वन है, सी इन जीरो है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों वन वन है, देखिएगा ये अगर आप सी इन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, इस तरह यहाँ देखिए ना, इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में आप जो है एक्स और वाई तो आपके इनपुट हैं, ठीक है, सी इन भी इनपुट है, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें कि जो तीसरा वन आना जो है ना कैरी के लिए, वो ऑप्शनल है, आ गया यानी कि टू वंस हो गए ना, कैरी तो जनरेट हो गया। अब थर्ड वन जनरेट हो या ना हो इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिएगा, ये इसको इनको दो कॉम्बिनेशन में टू वंस कैरी जनरेट हो गया, टू वंस। अब ये इसके वन या जीरो होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इस टीचर ने जो क्या किया है, इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए तीन तीन बिट के समेशन में तो इसने लाजमी थ्री थ्री इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यानी कि थ्री वेरिएबल के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है। लेकिन कैरी में इसने इस बात का फायदा उठाते हुए जो थर्ड इनपुट था उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो यहाँ देखिएगा एक्स और वाई आ गए, यहाँ एक्स आई और सी एन आ गया, या वाई आई और सी एन आ गया, ये कैरी आउट बन गया। ये आपके लिए बड़ी खास बात है, ये बड़ा काम आएगा। अब आते हैं असल चीज की तरफ। जो कुछ देर पहले किसी ने मुझसे कहा था कि सर फोर बिट को कैसे पैरेलल में ऐड करेंगे, ये है वो सर्किट बिट। ये देखिएगा, ये फुल एडर है, ये वन बिट 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 एडर है, ओके। अच्छा, आमतौर पे जब मैं खुद ऑर्डरिंग करता हूँ तो मैं यूं करता हूँ कि ये जीरो वाले डिजिट यहाँ लिखता हूँ, वन वाले यहाँ, टू वाले यहाँ, थ्री वाले यहाँ, जिस तरह हम वेट लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ इस टीचर ने जो वैल्यूज हैं ये जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका यूनिट का डिजिट है, ये टूज का डिजिट है, ये फोर्स का डिजिट है, और ये अपना एट्स का डिजिट है, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्टा कहते हैं ना क्या, मुझे एग्जैक्ट नाम इसका माइंड में नहीं आ रहा। तो ये फोर बिट पैरेलल एडर है, इसमें फोर समर्स लगे हैं पैरेलल में, देखिएगा। लेकिन बताया मैंने पैरेलल में लगे हुए, लेकिन पैरेलल में नहीं है, ये पैरेलल में नहीं है, हैं पैरेलल बट पैरेलल में नहीं है। क्यों कहा मैंने ये पैरेलल में नहीं है, पैरेलल होते हुए भी आपको पता है कि ये यूनिट है, आपने ऐड कर लिया कैरी इनपुट, ये तो आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसको ऐड करने के लिए आपको सी थ्री इनपुट कैरी पे डिपेंड करना पड़ेगा। जब तक आपके पास इनपुट कैरी नहीं आता तब तक आप इसको ऐड कर ही नहीं सकते, ओके। इसी तरह ये जो डिजिट है, ये जो एडर है, ये सम कर ही नहीं सकता जब तक इसके पास ये इनपुट कैरी ना आए,
ये एडर सम कर ही नहीं सकता जबकि पास जब तक इसके पास ये इनपुट करे ना। इसका मतलब ये है कि इस एडर को सम करने के लिए इसके कैरी का वेट करना पड़ेगा, इसको सम करने के लिए इसके कैरी का वेट करना पड़ेगा, इसको सम करने के लिए इसके कैरी का वेट करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, 4-bit एडर है पैरेलल, बट ये पैरेलल नहीं है, इसको आप सीक्वेंशियल एडर कहेंगे क्योंकि जो रिपल कैरी, जो रिपल कैरी है ये सीक्वेंस में जनरेट हो रहा है। तो ये 4 digit को ऐड करने के लिए तो आपको 4 cycles चाहिए। फर्स्ट साइकिल में ये अपना एडिशन का प्रोसेस पूरा करेगा, सेकंड साइकिल में ये एडिशन का प्रोसेस पूरा करेगा, थर्ड साइकिल में ये, फोर्थ में ये। इसका मतलब है 4-bit को ऐड करने के लिए आपको 4 cycles चाहिए। कितने साइकिल चाहिए? 4 cycles चाहिए। ये सिक्वेंशियल एडर हो गया ये तो। और डेली लाइफ में भी जब हम सिक्वेंशियल स्टेप बेटर, हाँ सर, ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही एडर में 4 cycles हो जाए? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आज सोल्यूशन बता रहा हूँ बिल्कुल इसका। देखिएगा ये इस वक्त सिक्वेंशियल एडर है। सिक्वेंशियल एडर का एक बड़ा डिसएडवांटेज आपके सामने, ये 4-bit थे, ये बताइएगा अगर ये 8-bit डाटा होता, दोनों जो वैल्यूज है वो 8-bit होती, तो कितने साइकिल इस्तेमाल होते, यूज होते? 8 cycles यूज होते। आमतौर पे आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है? 64-bit का है। 64 अगर yes, वो 60, अगर वो 264-bit वैल्यूज को ऐड करेगा तो कितने साइकिल यूज करेगा? 264 को, 64-bit को। आप दो वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज हैं 64-bit के, 64 साइकिल से गुजरेगा। तो जब आप सम करते हैं क्या 64 साइकिल तो बहुत लंबा टाइम होता है? यस सर। कि ऐसा होता है कि आप क्लिक करके वेट करते रहे कि 64 साइकिल पूरे होंगे फिर समेशन का आंसर आएगा, ऐसा होता है? नो सर, नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसमें ये एडर जो है कंप्यूटर में यूज नहीं होता, ये सिक्वेंशियल है। आमतौर पे ये उस बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जो सर सर समझ नहीं आ रहा सर, बस करें सर, ऊपर से जा रहा सर, अब तो ऊपर से जा रहा है। चलिए ये देखिएगा सर, एक मिनट, जब आप इसको ऐड करते हैं क्या करते हैं आप? 10 से पहले यूनिट को ऐड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना जी सर, करते हैं जी सर। 100 से पहले 10 को ऐड करते हैं जी सर, 1000 से पहले 100 को ऐड करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 100 से पहले 1000 को ऐड कर दें? नो सर, नहीं। तो ये सिक्वेंशियल एडिशन कहलाती है। अब आगे समझ में सर, इसके सवाल पेपर में किस तरह से आएंगे? अरे वो सवाल को छोड़ो, वो तो आ जाएगा। इस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहले ये सिक्वेंशियल एडर कहलाता है, पहले आप यूनिट को ऐड करेंगे, देन आप टेंस को ऐड करेंगे, देन 100 को ऐड करेंगे, देन 1000 को ऐड करेंगे। 4 digit का पैरेलल एडर है, लेकिन पैरेलल में एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा, सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये जो एडर है, कहने को तो मैं इसको 4-bit पैरेलल एडर कह रहा हूँ, इसलिए कि 4 digit को सेंड, 4 digit वैल्यूज को ऐड कर रहा है ये, लेकिन जो एडिशन का प्रोसेस है वो सिक्वेंशियल है। और डेली लाइफ में भी हम जो एडिशन का प्रोसेस है तो वो सिक्वेंशियल ही रखते हैं, लेकिन ये जो सिक्वेंशियल का प्रोसेस है प्रोसेसर के लिए ठीक नहीं है। प्रोसेसर के लिए तो बेकार सा प्रोसेस है ये, क्योंकि ये तो अब अंदाजा करें कि अगर आपके जो है आप चले 4-bit यही ले लेते हैं, 2 4-bit वैल्यूज को ऐड करने के लिए 4 cycles चाहिए। अगर आपको 16x4 करना हो तो हम ये कहते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन तो बताते खुद को प्रोसेस ही नहीं होता, वो तो एडिशन की सीक्वेंस होती है। 16x4 का मतलब है 16 को 4 times प्लस कर दें, ऐसे ही है ना, 16+16+16+16। इसका मतलब है 16x4। अगर आप 4 times ये 16 को प्लस करेंगे तो 1 times ये 16, इनके 4 digit वैल्यू 16 तक होती है ना मैक्सिमम, तो 4 digit वैल्यूज अगर आपके पास 4 values हो 4 digit वैल्यूज, तो आपको तो कितने 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16 पूरे 16 cycles चाहिए ऐड करने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब वो कमी क्या है देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। जो सारा फॉल्ट है ना जो आ रहा है ये इस कैरी की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? कैरी की वजह से। जो इन बिटवीन कैरी है ना, इसका कैरी इनपुट कैरी ये है, इसका कैरी ये है। अगर किसी तरह इस कैरी को हैंडल कर लिया जाए तो ये प्रोसेस जो है पैरेलल में फॉरन, ये जो सीक्वेंस में हो रहा है ना आपके पास,
पहले यूनिट देन 10, यानी कि पहले ये डिजिट ऐड होता है, फिर ये होते हैं, फिर ये होते हैं, फिर ये जो सीक्वेंस खत्म हो जाएगी, आप ये पैरेलल में करने लग जाएं, कर पाएंगे अगर किसी तरह इस कैरी को सॉल्व कर लें। इसका सोल्यूशन दिया है जो प्रोसेसर में इंप्लीमेंट होता है ना सर्किट, ये इस तरह से होता है। एक और सर्किटरी इसमें ऐड होती है जिसे कहते हैं कैरी लुक अहेड जनरेटर। इसका मतलब ये है, ये कैरी पहले से ही, अगर किसी तरह ये इनपुट कैरी आपको पता चल जाए पहले से, तो आप इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर किसी तरह ये इनपुट कैरी पता चल जाए तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर ये इनपुट कैरी पता चल जाए तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाए तो ये पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो सकता है। तो यहाँ ये जो सर्किटरी है ये डिपेंडेंसी खत्म कर रही है। इस डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास रखते हैं, इसमें बोर हो जाएंगे। वाकई जिसने कहा था ना जो मुश्किल चीज है वो ये है समझना। ओके मतलब कि सर जो कैरी है वो हम उसको कैरी को अलग जगह पे फॉरवर्ड कर देंगे। जी, ये एक और सर्किटरी होगी जो कैरी इनपुट कैरी खुद से जनरेट करेगी। इसका फायदा पता क्या होगा, जब ये कैरी ये सर्किट जनरेट करेगा, ये जो है टोटल 3 साइकिल में अपन प्रोसेस पूरा कर लेता है। बाकी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देखिएगा जो पहला साइकिल होगा ना, पहले साइकिल में ये सारे सर्किट जो है ना अपना अपना कैरी क्या करेंगे, ये जी और पी जनरेट करेंगे। जैसे ये जी और पी जनरेट हो जाएंगे ना, तो दूसरे साइकिल में कैरी लुक अहेड जनरेटर इन जीज और पीज को देखते हुए सारे कैरी जनरेट कर देगा। ये कैरी भी जनरेट हो जाएगा, ये कैरी भी जनरेट हो जाएगा, ये कैरी भी जनरेट हो जाएगा, ये कैरी भी जनरेट हो जाएगा। और थर्ड साइकिल में कैरी तो आ गए ना, थर्ड साइकिल में सारे समेशन जनरेट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे पहले 4 साइकिल लग रहे थे, अब 3 लग रहे हैं, फायदा क्या हुआ भाई? ये 4-bit पे 4 साइकिल थे, ये जो एडर है इसको 8-bit का डेटा देंगे तब भी 3 साइकिल लेगा, इसको आप 64-bit का डेटा देंगे तब भी 3 साइकिल लेगा। जबकि जो पहले वाला एडर था ये 4-bit पे 4 साइकिल, 64-bit पे 64-bit साइकिल, ये फर्क है। आगे समझ में? जो एक्चुअल में सीपीयू के अंदर सर्किटरी होती है वो ये वाली होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को, अगर आप चाहते हैं तो मंडे से पहले किसी की क्लास रखी जा सकती है। नो सर, पहले सर क्लासेस हैं सर सारी। आप क्लास के बाद टाइम निकालें, क्योंकि मेरी शुरू में क्लासेस नहीं हुई ना, दो तीन वीक कल फ्री है, कल ले लें, कल हो सर, मुश्किल हो जाएगा कल भी, कल क्लास है भाई, बातें एक ही क्लास है ना कल, तो